गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हो सभी होबदड़ बहुत ही मस्त होंगे बिंदास होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे बहुत ही जोश और रोश के साथ मैं। प्यारे में प्यारे बच्चों में श्री किशन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आर एस एल यूट्यूब चैनल पर एक शानदार सेशन में आज का सेशन अपना होना है सर महायज्ञ की पूर्ण आहुति फटाफट से मेरा हर शेर शेरणी क्लास में आ जाएगा और स्पेशली आज उन्हीं शेर शेरणियों को आना है जो हिम्मत रखते हैं जो जज्बा रखते हैं देश सेवा में जाने का जो हिम्मत रखते हैं जज्बा रखते हैं जुनून रखते हैं अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने का जो जज्बा और जुनून रखते हैं अपने तन के ऊपर वर्दी सजाने का जो जज्बा और जुनून रखते हैं सर अपने वतन के लिए मर मिट जाने का जो जज्बा और जुनून रखते हैं सर इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाने का और जो जज्बा और जुनून रखते हैं सर टीम आर एस सर को अपनी सबसे प्यारी टीम मानने का और सर यूट्यूब के ऊपर एकमात्र टीम जो कि 24 किसी के के बारे बारे में में सोचती सोचती है तो वो प्यारे बच्चों अपने शेर है मुझे गर्व होता है कि मैं उसी टीम का सदस्य हूं मैं उसी टीम का मेंबर हूं जो टीम अपने सैर श्रेणियों के लिए काम करती है और मुझे गर्व होता है कि मैं उन सैर श्रेणियों के लिए उन जाबाजों के लिए काम करता हूं उन जाबाजों के लिए मेहनत करता हूं जो इस राष्ट्र की सेवा में जाने के लिए तैयार है जो अपने पहले गुरु अपने मम्मी और पापा का सपना पूरा करने के लिए तैयार है एक बार आज की इस पूर्ण को अपने मदर एंड फादर के लिए अपने पेरेंट्स के 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 लिए शेयर शेयर कर कर देंगे देंगे अपने हर शेर तक कर देंगे। देश के उस दूर सुदूर किसी गांव कोने में बैठे उस बच्चे के पास भी ये लिंक जाना चाहिए जो ऑफलाइन क्लासेस में जाकर ऑफलाइन कोचिंग्स में जाकर या ऑफलाइन डिफेंस अकेडमी में जाकर तीन और चार लाख रुपए तो नहीं दे पाता लेकिन सर यूट्यूब के ऊपर देश की एक समर्पित टीम के साथ जुड़कर अपने आप को देश सेवा में ले जाने का जज्बा रखता है ले जाने का जुनून रखता है हर उस बच्चे के पास में ये लिंक जाना चाहिए जो अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए अपनी यदि चमड़ी भी उतार के देनी पड़े तो चमड़ी उतार के देने का सपना रखता है एक बार प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे और मैंने आज कसम खाई है कि मैं एक बच्चों के साथ में पहला क्वेश्चन लाऊंगा आप एक हजार बच्चे लाइव होंगे तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एक बार मन से क्लास को शेयर कर दो पौने छह सौ बच्चे लगभग क्लास में हो चुके हैं ठीक है और आपके जो आगे वाले लगभग ये मान लीजिए जो सवा चार सौ बच्चे हैं वो जैसे ही क्लास में आते हैं पहला क्वेश्चन आ जाएगा एक बार क्लास को पूरे मन से आप शेयर कर देंगे आ जाओ जी सर सबसे पहले प्यारे बच्चे बात करना चाहूंगा कि आप पेपर देने जाएंगे पेपर में बैठे बैठे मुझे याद करेंगे ये मेरी गारंटी है पेपर जब आप दे रहे होंगे जब आप वोकेब के क्वेश्चंस को देखेंगे और आपने यदि मेरी वोकेब की क्लासेस सारी लिए तो आपको एस के सर याद आएंगे आप मन ही मन मुझे धन्यवाद देंगे ये मेरा वादा है आप जब ग्रामर के क्वेश्चंस पे जाएंगे और ग्रामर्स के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप वहां पर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखेंगे कॉमन एरर के क्वेश्चन देखेंगे एम, एम को जब आप देखेंगे प्यारे बच्चे वहां भी आपको एस के सर याद आएंगे इंग्लिश के पेपर में ये मेरा वादा है और केवल एस के सर नहीं आप जब फिजिक्स का पेपर देंगे आप जब रीजनिंग का पेपर देंगे आप जब मैथ का पेपर देंगे आप जब जनरल मेथ का पेपर देंगे आप जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां भी आपको आप करंट करंटे के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पूरी टीम आपको याद आएगी ये मेरा वादा है लेकिन उसके लिए जज्बा आपके अंदर होना चाहिए और जब एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे तो सबसे पहले आप जिस व्यक्ति को कॉल करेंगे आ, वो सर या तो बी सर होंगे या आर एस एर होंगे या फिर अपना फैकल्टी नंबर का यह नंबर होगा जिसपे आप कॉल करेंगे व्हाट्सएप पर आप यहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं यदि नहीं भेज पाते तो इधर भी नंबर है सर यहां पर आपका हेल्प डेस्क वन टू थ्री नंबर आपके सामने आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पेपर पे आराम से क्वेश्चंस को याद कर करके लिखिए फोटो लेके भेजिए यह काम आपको करना ही है ताकि पता चले कि सर हमने कितने मेहनत करी है हर बच्चा ये काम करेगा इसके अलावा यदि बात करूं तो सर महायज्ञ सेकंड के लिए भी तैयार रहना कल अपना महायज्ञ फर्स्ट हुआ था और फिर इलेवेंथ ऑफर अक्टूबर को महायज्ञ सेकंड आ रहा है कल की तरह ही जज्बा जुनून जिद आपका जीवित रहना चाहिए और उसी जोश के साथ में हम इस सेकंड महायज्ञ में भी मिलने वाले हैं इलेवेंथ को तैयार रहना और विशेष बात फिर कहूंगा कि सर जब नाम आता है अपने गांव का तो हमें गर्व होता है जब नाम आता है अपनी तहसील का हमें गर्व होता है नाम आता है सर अपने राज्य का स्टेट का हमें गर्व होता है और नाम आता है पूरे भारत का तो सर हम गर्व से फूले नहीं समाते मेरे बच्चे मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि ऑल इंडिया लाइव टेस्ट टीम आर एस सर आपको देने जा रही है सर 9 दस और बारह अक्टूबर को सात बजे शाम को साइंस सेगमेंट का लाइव टेस्ट होगा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट पूरे भारत के बच्चों के बीच में आप कहां स्टैंड करते हैं यहां से पता चलेगा प्यारे बच्चे नो दस बारह को ही आपको सर रात को सवा नौ बजे अदर देन साइंस वाले बच्चों का मॉक टेस्ट मिलेगा यहां आप पूरे भारत के बच्चों के बीच में कहा स्टैंड करते हैं यह पता चलेगा यह तीन फ्री ऑनलाइन टेस्ट आपको राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर 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 टीम मिलेगा यहां पर हर को को आना है इस बात को याद रखना और अपनी क्लास में मात्र और मात्र ये मान लीजिए कि पचास बच्चे कम है फटाफट से आ जाओ जल्दी से करो और चलते हैं सर शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार पूरा मन से क्लास को शेयर कर दो देखें जल्दी कीजिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे आ जाओ जी सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ जी जवाब आपको देना है जोश आपका रहना चाहिए जज्बा आपका रहना चाहिए जुनून आपका रहना चाहिए आ जाओ सर आज धन्यवाद बहुत अच्छी बात है फोर्टीन को कानपुर है बहुत अच्छी बात है हाँ जी चलो जी सर हाँ महायज्ञ का पीडीएफ बच्चे पीडीएफ के लिए हेल्प डेस्क पे फ़ोन करो वहां पर आप बात कीजिए चलो हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुपर लेवल आपका होना चाहिए और लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आने में चंद सेकंड की बारी है हाँ चंद सेकंड देर और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह मान लीजिए कि सर आ चुका है बहुत अच्छे लो जी साहब फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाता हूं बताइए सर एक सेंटेंस है ही वुड रेदर ब्लैंक प्यारे बच्चे जब आपके सेंटेंस में क्या आ जाता है सर वुड रेदर होता है जी बच्चे क्या होता है वुड रेदर होता है प्यारे बच्चे आफ्टर देन आपका क्या हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं सर नॉन इन्फेटिव बोलते हैं सॉरी कौन सा बैर इन्फेटिव बोलते हैं और ऐसी कंडीशन में क्या होता है सर इसके साथ में लगता है देन और बच्चे देन के साथ में फिर क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये भी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी जी बैर हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाता है कि सर जब यहां पर आपका फॉर्मूला हमें कहता है कि देन फिल कीजिए तो सर यहां पर आपको देन फिल करना है ऐसी कंडीशंस में आपको जिन चीजों को छोड़ना है सर वो बट होगा जिन कंडीशंस को छोड़ना है सर वो एट होगा जिन कंडीशंस को जिस शब्द को आपको मोड़ना है सर छोड़ना है सर वो सारे क्या हो जाएंगे ये आप यूज नहीं करेंगे इस बात को याद रखना ठीक है एक एक कॉन्सेप्ट को आप चलते देखते हुए चलेंगे समझते हुए चलेंगे चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है और ऑपोजिट जेंडर आपको किसका बताना है सर हिंड का ऑपोजिट जेंडर बताना है तो बता दीजिए सर क्या हो जाएगा क्या इसका स्टेग हो जाएगा लेडी हो जाएगा मेर हो जाएगा लॉर्ड हो जाएगा तो सर इसका क्या हो जाएगा स्टेग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सर बारह है सिंगा होता है बच्चे क्या होता है बारह है सिंगा और स्टेग का जो फेमिनिन जेंडर है सर वो क्या होता है हिंड होता है यानी सर हिंड जो है वो कैसा जेंडर है फेमिनिन जेंडर और स्टेग आपका कैसा जेंडर है सर मेस्कुलिन जेंडर है इस बात को याद रखना है चले आगे चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बताइए सर फटाफट से फटाफट से जवाब दीजिए हाँ जी और जोश जुनून आपका वही होना चाहिए उदास बिल्कुल नहीं रहना एसके सर में सर की क्लास में आने का मतलब है कि आपके अंदर जोश और जुनून और जिद होना चाहिए आप मुस्कुराते हुए चेहरे जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुस्कुराता हुआ दिमाग है। मेरी बात को समझ रहा मुस्कुराता हुआ दिमाग जो है वो ज्यादा चीजें अच्छी अट्रैक्ट करता है इस चीज़ को याद रखना जब आप खिलखिलाते हैं जब आप मुस्कुराते हैं तो कोई भी आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा आप जब रो रहे हैं तो आपसे दूर जाना चाहेगा इसी प्रकार जब आपका दिमाग हंस रहा होता है वो खुश होता है तो चीजें उसके पास में जल्दी आती है याद रखना सर यहां पर लिखा है अनलेस जी सर अनलेस आ गया बताइए सर टेंस कौन सा सर सर जी तो तो आपका 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 है 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 और 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 तो क्या यहां पर क्या पर पर हो हो जाएगा सर, यहां पर आपका शेल और विल होना चाहिए can or, uh, आपका, maybe हो सकता है, ये भी ध्यान रखना सेंटेंस करा है, unless you are more careful, कि जब तक तुम ज्यादा केयरफुल नहीं होगे यू कैन सक्सीड तुम सफल हो जाओगे यू विल सक्सीड तुम सफल हो सकते हो तुम सफल हो जाओगे यू कांट सक्सीड तुम सफल नहीं हो सकते यू शुड सक्सिड सफल सफल होना चाहिए। प्यारे बच्चों, sentence clear है है है, कि कि यदि तुम तुम नहीं 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 होते हो, हो हो इसका मतलब यह है कि तुम क्या नहीं होगे, सफल भी नहीं हो सकते। यानी सर यहां पर आपका सी जो है, वो correct हो जाएगा। फिर कह रहा हूं, आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बिल्कुल नहीं डरना एकदम फुल कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए उस कॉन्फिडेंस के साथ में आगे चलना है उत्तराधिकारी मतलब होता है सर, क्या होता है बच्चे उत्तराधिकारी होता है एच इसमें साइलेंट रहता है याद रखना एच इसमें साइलेंट रहता है एयर बोला जाता है इसके साथ में आर्टिकल एन लगता है यह भी आपको ध्यान में रखना है यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और सर यदि इसके फेमिनिन जेंडर की बात होती है तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा एरेस हो जाएगा ये बच्चे इसका फेमिनिन जेंडर है और एर आपका कैसा जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर है यह बात आपको याद रखनी है मेरे भाई ठीक है चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है इडियम फ्रेज आपको बताना है टू शो द व्हाइट फिदर्स प्यारे बच्चे कोई आपका दोस्त यदि आपको व्हाइट फिदर्स शो कर देता है यानी आपका सफ, अपने सफेद पंख आपको दिखा देता है इसका मतलब यह है कि सर वो कायरता की निशानी ठीक है हाँ जी सर वो कायरता की निशानी दिखा रहा है तो सर इसको हम क्या बोलते हैं कायरता दिखाना बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरे भाई सर कायरता दिखाना बोलते हैं तो बच्चे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आज आज लाइक वाला बटन बड़ा स्लो चल रहा है वो बेचारा सोच रहा है, है? कि मैं कौन से मदहोशी में आ गया मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा जी सर बहुत अच्छे कि समय की ऐसी नजाकत देखी समय की ऐसी नजाकत देखी हमने हमारे महायज्ञों में एक हकीकत देखी समय की ऐसी नजाकत देखी हमने हमारे महायज्ञों में एक हकीकत देखी कि कौन कहता है ये ढीले पड़ चुके हैं नहीं साहब आज भी ये माउंट एवरेस्ट पर जाने की औकात रखते हैं हिम्मत रखते हैं जज्बा और जुनून रखते हैं आ जाओ सर बताइए सर पियर और पियर का आपको ओपोजिट जेंडर बताना है क्या हो जाएगा ओपोजिट जेंडर प्यारे बच्चे इसका ओपोजिट जेंडर हो जाएगा पियर और पियर का मतलब क्या होता है सर पियर का मतलब होता है किंग Pierre का मतलब क्या होता है किंग होता है ये प्यारे बच्चे आपका क्या मेस्कुलिन जेंडर है ये प्यारे बच्चे फेमिनिन जेंडर है प्यारे बच्चे आपका जो पैटर्न एक वर्ड है पी ए टी आर ओ एन इसका मतलब क्या होता है संरक्षक होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ जियंट का मतलब क्या होता है राक्षस के जैसा आप कह सकते हो विशाल या बड़ा आप कह सकते हो ऐसे एक एक वर्ड पर फोकस करना है मेरे बच्चे ठीक है चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है यू शुड नोट टच द इलेक्ट्रिक वायर

इसका ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा ठीक है सर डच जो है सर वो डच आपका क्या होता है ये भी किंग टाइप में होता है इसकी फेमिनिन ये मेस्कुलिन जेंडर है तो डच की फेमिनिन जेंडर क्या होती है सर डचेज होती है।, डचेज होती है क्या डचेज होती है क्या नहीं होती डच की नहीं होती ड्यूक की डचेज होती है इसीलिए तो कहता हूं ना इसको भूल जाना वरना डच में उलझ जाओगे ठीक है, डो की किंग होता है और सर आपका जो रो होता है इस रो का सर ये रो फेमिनिन जेंडर है इसका प्यारे बच्चे जो जी हाँ जी सर तो आप रो के साथ में किसको जोड़ेंगे सर एच ए आर टी को जोड़ेंगे जी सर और इसके साथ में आप किसको जोड़ेंगे सर निगरों को जोड़ेंगे किसको निगरों को जोड़ लेंगे ये ध्यान रखना है ओके चलो भाई तो ड्यूक का क्या हो जाएगा? डचेज हो जाएगा जाएगा डचेज एक लड़का सर में आ गया तेरा स्वागत करते हैं लेकिन हम ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि आजकल जो ताली बजाता है या थाली बजाता है उसके लिए कुछ और ही सोचा जाता है चलो भाई किसी अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले। साहत की नसीहत से बगावत कर ले उसकी बेटी ने उठा रखी है सिर पर दुनिया ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ बताइए सर कि सर जितने भी लकड़ी की चीजें होती है वो पानी में क्या करती है तैरती है बहुत अच्छी बात है मुझे बताइए सर ये आपका पहली बात तो जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर हमेशा सत्य रहने वाला है शाश्वत सत्य है कैसे पता चला कि लकड़ी की चीजें तो तेरे की ये तो श्योर है जी सर श्योर है अब मुझे बताइए सर थिंग्स आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है गुरु जी यह थिंग्स आपका प्लूरल है यह क्या है सर प्लूरल है तो क्या इसके साथ में सिंगुलर का यूज कर दूं नहीं सर मुझे बताइए जब सात सत्य होता है तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है ना गुरुजी जी किस में होता है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल में हमें वर्ब कैसी लगानी प्लूरल लगानी है इसीलिए बच्चे क्या हो जाएगा फ्लॉट हो जाएगा तेरना के सेंस में यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे ठीक है चलो जी सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका जोश और जुनून जीवित है ये कुछ की बात है चलो सर आगे चलते हैं सर जिंदगी से झूझना जवानियों को सिखलाया, जंग के जुनून को जवान रखता था वो कि लक्ष्य में ही पूरी सिद्धत से घोल मिलकर मिसाइल वाली रखता था वो अगली लाइन तो मैं बाद में सुनाऊंगा पहले मुझे इसका आंसर सही है कि सर रोका जेंडर क्या हो जाएगा अभी बताया था सर एच आर टी हो जाएगा बोलो बात सही है जी सर मुझे बताओ नन तो सबको पता है कि सर एक औरत जो होती है वो साध्वी बन जाती है वो नन होती है लेकिन निम्फ का मतलब क्या होता है यह बताइए मुझे निम्फ का मतलब चाहिए आपकी ओर से चाहिए और आप यदि नहीं बताते तो ये बात नहीं बनेगी सर है ना और निम्फ एक ऐसा वर्ड है बच्चे जिसकी चाहत हर बच्चे को होती है ठीक है हाँ जी सर और यह आपका क्या हो जाएगा सर अप्सरा हो जाएगी निम्फ क्या होता है सर अप्सरा होती है बोलो रे मजा आया जी सर आया कितना का आया सर बहुत आया अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं जी सर आ जाऊं चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ सर स्मेल रेट का मतलब क्या हो जाएगा ये पहले कराया हुआ है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सस्पेक्ट एट्रिक और डि, आ, आपका डिसीट हो जाएगा कोई धोखा आपके साथ में हो रहा है उस पर पहले से आपको शक हो जाता है वही आपका स्मेल रेट हो जाएगा अगला बताइए सर शो आपके सामने एक वर्ड आया इसका ऑपोजिट जेंडर आपको बताना है बताइए सर इसका ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे स्टेक हम पहले कर चुके हैं ये बारह सिंगा होता है क्या होता है बारह ये पहले हम कर चुके हैं ठीक है जी सर मोंक क्या होता है साधु होता है मेर आपकी घोड़ी होती है बोर आपका क्या होता है सर ये नर सुवर होता है क्या होता है नर सुवर होता है तो सर यहां पर आपका क्या हो जाएगा मादा सुवर हो जाएगा जिसको आप सुवरी भी बोल सकते हैं इसीलिए बच्चे यहां पर क्या होगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ओके चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ बताइए कि सर मेक है ब्लैंक सन साइंस एक प्रोवर्ब है बच्चे और इस प्रोवर्ब में क्या हो जाएगा कि सर जितने आपके पास में रजाइए पेड़ उतने ही पसारिए यानी जब सूर्य चमक रहा होता है तभी आपको क्या करना है सर तभी आपको चीजों को सुखाना है फिक्स है सर यहां पर क्या हो जाएगा कि वाइल हो जाएगा ये ध्यान में रखना अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है सर ड्रॉन का आपके सामने बनाना है जी ड्रॉन का आपके सामने ऑपोजिट जेंडर प्यारे बच्चे ड्रॉन जो है वो किसको कहा जाता है क्या काउ अबेस या फिर ऑक्स या फिर आपका बी हो जाएगा बताइए सर फटाफट से जवाब चाहिए तो प्यारे बच्चे ड्रॉन जो है वो मक्खी को बोलते हैं या मधुमक्खी को बोलते हैं लेकिन ये नर मक्खी होती है और मादा मक्खी जो होती है बच्चे वो आपकी क्या होती है सर जी बी होती है तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है प्लीज लैंड मी योर इरेजर कृपया मुझे अपना इरेजर जो है वो उधार दे दो आई ब्लैंक मिस्टेक मैंने एक मिस्टेक को क्या कर दिया मैंने एक मिस्टेक को क्या कर दिया यह आपको बताना है ठीक है हाँ जी सर बोलिए फटाफट से हाँ एक बच्चा लिख रहा है नीलेष यादव नाम का सर हम लोग उस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसको कोई अच्छा अब मैं तेरा मैसेज तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि नेगेटिव कमेंट तेरे नहीं पड़े जाएंगे गलत बात लिखी है तूने हाँ ये बात तुझे पता चलेगी जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आफ्टर सिलेक्शन तुझे पता चलेगी कि तेरी नौकरी की कितनी इज्जत है और कितनी नहीं है वो समाज में पता चलेगी जब तू एक बार सिलेक्शन लेने के बाद में अपने गांव वालों के बीच में जाएगा जब जब सिलेक्शन सिलेक्शन लेने लेने के 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 बाद बाद में 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 तू तू अपने अपने पड़ोसियों बीच जाएगा जाएगा मम्मी पापा सामने तब तुझे पता चलेगा कि सरकारी नौकरी की या तेरी नौकरी की इज्जत क्या होती है तेरे सिलेक्शन की इज्जत क्या होती है तब पता चलेगा एक फौजी की इज्जत क्या होती है तब तुझे पता चलेगा एक बार एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं एक बच्चे का वो बच्चा किसी दूर सुदूर गांव से आया और सिक्कर डॉक्टर बनने के लिए आ गया उस बच्चे का यह कहना था कि मैं अपने गांव में पिछले तीन साल में सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले कभी गांव नहीं गया दिन की बस में कभी गांव नहीं गया इसलिए क्योंकि जब मैं पहली बार असफल होने के बाद में गांव गया और मैं जब फेल हो चुका था तो मेरे गांव वालों ने सीधा मुझे जाते ये कहा ओ देखो आई गो डॉक्टर बनर ये देखो डॉक्टर के आ गया मुंह देखो इसका है सफल हो के आ गया उस दिन के बाद में उस बच्चे ने कसम खाई कि मैं तीन साल चार साल पांच साल जितना भी लगे आफ्टर सिलेक्शन ही अपने गांव में मुंह दिखाऊंगा वरना नहीं दिखाऊंगा उस बच्चे का कहना था कि जब वो गांव जाता था तो रात वाली गाड़ी से जाता था रात को सूर्यास्त के बाद घर पहुंचता रात रात को घर पर रुकता घर वालों से मिलता और सूर्योदय से पहले बिफोर सनराइज वापस अपनी गाड़ी में बैठ के बस में बैठ के वो आ जाया करता था प्यारे बच्चे तीन साल बाद में वो गले में आप जो वो डॉक्टर डालते हैं ना क्या डालते हैं वो सिलेक्शन के बाद में वही डाल के गया वो जिद और जुनून आपके अंदर होनी चाहिए कि बस मैं इस बार वर्दी लेके आऊंगा तब मजा आएगा भाई बात को समझने की कोशिश कीजिए मुझे इरर्द इरेजर दे दो लैंड मी और इरेजर मुझे इरेजर दे दो आई ब्लैंक मिस्टेक मैं एक मिस्टेक कर चुका हूं इसीलिए मुझे इरेजर चाहिए मैंने गलती कर दी है इसीलिए मुझे इरेजर चाहिए बच्चे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए सर प्रेजेंट परफेक्ट में यानी मैंने यहां पर अभी-अभी कोई गलती करी है इसीलिए मुझे अभी तुझे तेरा क्या चाहिए इरेजर चाहिए इस बात को वो बोल रहा है चलो सर अगले क्वेश्चन में नन का सर जी आपको क्या देना है अभी मैंने बताया था एक साध्वी जो होती है मादा साध्वी जो होती है बच्चे उसी के लिए हम क्या करने वाले हैं ओपोजिट जेंडर तो बच्चे हार्ट हमने पढ़ लिया लॉर्ड हमने पढ़ लिया सर फ्रियर आपका जो होता है ये ये आपका नर साधु होता होता है है नन का जेंडर ये सर, जेंडर सर मैस्कुलिन और ये प्यारे बच्चे आपका फेमिनिन जेंडर होता है ये ध्यान में रखना है चलो जी सर अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है क्वेश्चन सर हॉप्शन चॉइस की बात करते हैं बताइए हॉप्शन चॉइस क्या होता है इसका एक छोटा सा प्रचलन कहानी इसकी प्रचलित है कि हॉप्शन नाम का एक आदमी था जी सर था तो प्यारे बच्चे हुआ क्या कुछ भी नहीं हुआ सर वो एक रास्ते से जा रहा था सामने दुश्मन पीछे दुश्मन दाएं बाएं दोनों तरफ चट्टाने थी निकलने का कोई रास्ता नहीं था यानी सर ऑप्शन के पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं थी केवल एक के और वो था मरना ठीक है तो कहा गया नो चोइस एट कोई चॉइस नहीं होना बिकॉज देर इज ऑनली थिंग टू टेक और डू क्योंकि वहां पर करने के लिए केवल एक ही काम है तो हमारे पास कोई चॉइस होती नहीं है उसी को ऑप्शंस uh, का ऑप्शन का चॉइस बोलते हैं इसीलिए बच्चे इसका क्या हो जाएगा जी आंसर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है सर बुल्लक आपके सामने एक वर्ड है जी सर है जो छोटे सांड के लिए यूज किया जाता है क्या ये कोक हो जाएगा डियर हो जाएगा काप काउ काफ हो जाएगा या प्यारे बच्चे आपका हैफर हो जाएगा प्यारे बच्चे ये छोटा क्या होता है बेल होता है ये छोटा क्या होता है बेल होता है छोटा बेल आप इसको बोल सकते हैं बेल का छोटा बच्चा बच्चा होता है हाइफर क्या होती है सर बचिया होती है बच्चे ठीक है तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर बताइए फटाफट से ही वेटेड फॉर मी ब्लैंक आई केम बेक फिर से आपको कहना चाहूंगा सर ये कंडीशन के लिए आता है जी सर आता है और ये टाइम के लिए आता है अब आप बताइए सर कि यहां पर सर आने की बात हो रही है यानी सर आने के समय आने का समय की बात हो रही है आने का टाइम की बात हो रही है और जब टाइम की बात हो रही होती है तो बच्चे ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं का यूज करते हैं इसीलिए बच्चे आपका क्या हो जाएगा अंटिल हो जाएगा जी चले आगे चलिए सर अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है सर डो आपके सामने है जी सर ये आपका फेमिनिन जेंडर होता है जी होता है तो बुलक हमने पढ़ा हार्ड पढ़ा आस पढ़ा लेकिन बक जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका मेस्क्यूलिन जेंडर होता है ठीक है चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अब दिमाग लगाने वाले बच्चे ही इसका सही आंसर दे सकते हैं Barking डॉक्स barking डॉक्स सेल्डम ब्लैंक बताइए सर यहां पर प्यारे बच्चे आपको क्या करना है एक निश्चित आपकी क्या है जी सर प्रोवर्ब है और उस प्रोवर्ब का जवाब देना है कि सर भौंकने वाले कुत्ते क्या करते हैं भोगने वाले कुत्ते क्या करते हैं सर कभी कभी या मुश्किल से ही कभी काटा करते हैं बच्चे डॉग्स यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा जी सर ठीक है तो बाइट्स नहीं हो सकता बाइट और बाइट दो आपके सामने सर यहाँ पर वर्ब है या फिर आप हेव बिटन कीजिए सर हेव बिटन भी नहीं हो सकता इसमें एक वर्ब आपकी अभी एक आपके सामने बिट लिखा है एक बाइट लिखा है इनमें से आपको सही आंसर देना है तो सर काटने के लिए सही क्या हो जाएगा बाइट हो जाएगा ये ध्यान रखना और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और बता देता हूं आपको यहां पर एक और प्रकार का क्वेश्चन यहीं से बनता है एक और प्रकार का क्वेश्चन है यहीं पर बनता है और वो क्या बनता है वो बच्चे ये बनता है यहां पर कभी-कभी ऐसे लिखा जाता है अब आपके ए ऑप्शन में आएगा बच्चे नेवर अब आपके बी ऑप्शन में आएगा बच्चे ऑलवेज अब आपके सी ऑप्शन में आएगा बच्चे सेल्डम अब आपके डी ऑप्शन में आएगा प्यारे बच्चे स्कर्सली ये आपके ऑप्शंस में आते हैं आप फिर उलझ जाते हैं कि मैं नेवर करूं कि सेल्डम करूं कि स्कर्सली करूं लेकिन आपको याद रखना यहां पर जो आपका रिजल्ट है वो फिक्स है इस प्रॉब्राम में फिक्स आपका वर्ड है इसलिए आपको सेल्डम ही करना है एक और क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है ब्लैंक डॉग्स ब्लैंक डॉग्स सेल्डम बाइट यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा ए ऑप्शन आएगा सर बाग्ड कर दो बाग्ड कर दो बी ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चे यहां पर आपका बार्किंग हो जाएगा ठीक है सी ऑप्शन आएगा कि सर आपका बार्क हो जाएगा और डी ऑप्शन आएगा बच्चे कि सर आपका बाक्स हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल और केवल बच्चे क्या करना है बार्किंग करना है यह भी आपको ध्यान में रखना है और रिहुआ क्यों इसका रीजन देखना कि सर डॉक्स जो है वो आपका नाउन है जी सर और नाउन की विशेषता बताने के लिए वर्ब की आई फॉर्म जो है वो एजटिव बन के यहाँ पर बैठी हुई है ये आपको ध्यान में रखना है तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आपको बिल्कुल नहीं फंसना है याद रखना चलो जी सर टेम्पर आपके सामने आया इसका आपको ऑपोजिट बताना है बताइए सर क्या वेटरेस हो जाएगा गोडेस हो जाएगा ड्यूक हो जाएगा टेम्परेस हो जाएगा बच्चे टेम्पर का मतलब क्या होता है टेम्पर का मतलब एक ऐसा आदमी होता है जो किसी दूसरे को भड़का देता है ऐसा आदमी जो किसी दूसरे को भड़का देता है मेस्क्यूलिन जेंडर है तो बच्चे क्या हो जाएगा टेम्परेस हो जाएगा यानी एक ऐसी औरत जो दूसरे को भड़काती है उसे बोलते हैं चलो मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट बताइए सर टू रेंगल ओवर एन आसेज सेडो का मतलब क्या हो जाएगा बताइए अभी भी कोई बच्चा यदि क्लास में ऐसा है जिसने क्लास को शेयर नहीं कर रखा तो बच्चे एक बार पूरे मन से क्लास को शेयर करेंगे और आ जाएंगे सर उसी जोश उसी जुनून इसी जिद के साथ में हर सिर शेरणी को आना है आ जाओ सर फटाफट से बोलिए सर फटाफट से आ जाओ जी सर जी सर जी सर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा सेशन को तो सेशन को लाइक भी कर दो शेयर भी कर दो और आगे आ जाओ सर टू रेंगल ओवर एन आसेसो प्यारे बच्चे एक गधे की छाया और उस छाया के ऊपर क्या करना रेंगल ओवर करना मतलब सर आपस में लड़ाई करना इसका मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा सर लड़ाई तो करना लेकिन किसके ऊपर ट्रिफल्स पर ट्रिफल्स का मतलब सर जो तुच्छ चीजें होती है किसके ऊपर जो आपकी तुच्छ चीजें होती है उन तुच्छ चीजों को लेकर सर क्या करना लड़ाई करना हो जाएगा तो यही पर आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा सर डी ऑप्शन आपका क्या होगा जी सही आंसर होगा गधे की छाया पर लड़ना यानी तुच्छ जो चीजें हैं उन चीजों पर लड़ना हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर अबोट आपके सामने एक वर्ड आया और सर अबोट जो आपका है इसका ऑपोजिट जेंडर बताना है तो बताइए सर क्या हो जाएगा या स्कॉर्स हो जाएगा लेडी हो जाएगा या फिर सर आपका कुछ और ही होगा कौन बच्चा इसका सही जवाब देगा वो देने वाले आप हैं वो बताने वाले आप हैं बोलिए सर फटाफट से बोलिए हाँ जी सर तो प्यारे बच्चे अबोट का मतलब क्या होता है सर मठाधीश होता है ये पढ़ाया है मैंने आपको और मठाधीश यदि कोई औरत हो जाती है जिसको महंतनी बोलते हैं तो वो महंतनी आपकी अबेस हो जाएगी और सर स्कॉर्स रेस का मतलब क्या होता है सर जादूगर में जादूगर ठीक है तो जो जादूगरणी होती है बच्चे उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेस बोलते हैं बच्चे चलो सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बताइए सर सो फॉर एंड जो है इनमें से इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सही आंसर सो फॉर एंड में से सही आंसर क्या होगा ट्राई सो कम रेडी हो जाए कमरली uh, हो जाएगा ट्राई फोर कमरली हो जाएगा ट्राई एंड कमरली हो जाएगा सही आंसर क्या होगा सर मैंने 23rd इनटेक में 46 मार्क्स ऑब्टेन किए बट मैं मेडिकल में बाहर हो गया बेटा हारना कभी नहीं है मेडिकल में भी आप पास हो जाओगे डोंट वरी बस अपने ऊपर बिलीव रखना ईश्वर पे बिलीव रखना टीम आर एसर पे बिलीव रखना ठीक है जी हाँ जी सर चलिए सर तो यहां पर बच्चे आपका क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा बाकी किसी का मीनिंग नहीं आ रहा ठीक है ट्राई कोशिश करो एंड कम अर्ली और जल्दी आ जाओ सो का कोई सेंस नहीं है सो का मतलब इसलिए फोर का मतलब के लिए तो फोर यदि सेंटेंस में होता तो सर आगे हमें आई लगाना पड़ता ट्राई फोर कमिंग करना पड़ता ठीक है ना तो यहां पर फोर का कोई सेंस नहीं है सो का मतलब इसलिए सो so का मतलब क्या है इसलिए का भी कोई सेंस नहीं निकल रहा इसका मतलब सर एंड हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने होता है सर बताइए सर सही आंसर क्या होगा जरीना का सर आपको अपोजिट जेंडर बताना है तो जरीना का अपोजिट जेंडर क्या होता है जार होता है ये यहूदी के कुछ वर्ड होते हैं जिसमें अः जरीना जो वर्ड है वो किसी फेमिनिन के लिए किया जाता है और जार जो है वो किसी किसके लिए बच्चे मैस्कुलिन के लिए किया जाता है इसमें सी साइलेंट रहता है ध्यान में रखना चलो जी सर आगे चलते हैं बहुत ही गजब का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं बताइए सर आ जाओ पूरे मन के साथ में आ जाओ ए मेरे वतन के लोगों, में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी अब जैसे ही मैंने यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा तो बच्चा जो है वो तुरंत कंफ्यूज हो गया बच्चे ने कहा सर अकबर जो है वो हिंदुस्तान का एम्प्रायर बना ये पास्ट की घटना है मैंने कहा अच्छी बात है और यदि यह सेंटेंस ऐसा हो जाता सर यदि यह सेंटेंस ऐसा हो जाता अकबर बिकेम अकबर बना द एम्प्रर अकबर एम्प्रर बना ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान का एम्प्रर बना यदि प्यारे बच्चे यह सेंटेंस ऐसा होता तो यहां पर आपका पास्ट टेंस भी आता और यह सही भी होता ये बात सही है लेकिन यहां पर खेल किसने बिगाड़ा नाउ ने बिगाड़ा और नाउ कह रहा है कि अब मैं क्या लूंगा प्रेजेंट टेंस लूंगा बहुत बार पास्ट की घटनाएं आप ऐसे बोलते हैं बताते हैं क्या कि अब अचानक से अकबर आता है अकबर महाराणा प्रताप से बोलता है कि तू अपने मेवाड़ को मुझे दे दे और महाराणा सीना ठोक के कहता है मैं घास की रोटी खा लूंगा मैं पहाड़ों में रह जाऊंगा मैं ये सोने के पीतल के बर्तनों को त्याग दूंगा मैं अपने शाही ठाट बाट त्याग दूंगा लेकिन हे अकबर मैं तेरे सामने कभी अपनी मुंडी नहीं झुकाऊंगा सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं ठीक है वो जुनून वो जोश अकबर की तरह हमारे अंदर भी होना चाहिए चलिए सर अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे जीव का क्या करना है सर एंटोनिम बताना है बहुत बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं सर जुएस आपका गलत स्पेलिंग है क्या हो जाएगा जुएस हो जाएगा है ना जे ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू एस होगा बताइए सर इडियम फ्रेज आपको बताना है टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरे प्यारे बच्चे आपको बहुत बार मैंने कहा है कि यह एक आदमी है जी सर ये है, अच्छी बात है ठीक है? है, मतलब है, है ठीक है सर. और सोचो, किसी आदमी की ऊपर वाली मंजिल जो है वो कैसी होती है यदि खाली होती है इसका मतलब क्या है कि सर इसका ऊपर वाला मंजिल खाली है और किसी व्यक्ति का ऊपर वाला मंजिल खाली होने का मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति का ऊपर वाला मंजिल खाली होने का मतलब होता है कि सर उसका दिमाग जो है वो एकदम फीबल है कमजोर दिमाग वाला कैसे दिमाग वाला सर कमजोर दिमाग वाला आदमी होता है कमजोर दिमाग वाला आदमी होता है दैट इज द रीजन कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा मेरे शेयर ठीक है चल भाई अगले क्वेश्चन में आ जा सर डक आपका बत्तख होता है बताइए सर इसका लोइन हो जाएगा अर्ड हो जाएगा ड्रेक हो जाएगा मुझे आपकी ओर से सही आंसर चाहिए मुझे आपकी ओर से सही आंसर चाहिए सर अर्ल का मतलब क्या होता है सर किसी राजा को बोलते हैं और डक का सर क्या हो जाएगा ड्रेक हो जाएगा जो कि सर बत्तक होता है ये सर मेल होता है और ड्रेक आपका फीमेल होता है ये ध्यान में रखना नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए दिस इज द मैन ब्लैंक वांटेड टू सी यू दिस इज द मैन ब्लैंक वांटेड टू सी यू ये वो आदमी है जो तुम्हें क्या करना चाहता है सर देखना चाहता है या तुमसे मिलना चाहता है बताइए बच्चे यहां पर सर आपकी वर्ब आई जी सर आई यहां पर आपका नाउन आया जी सर आया यदि नाउन और वर्ब ऐसे आते हैं और बीच में हमें यदि रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है और यहां पर यदि सर आपका पर्सन होता है तो ऐसी कंडीशन में हम बीच में किसका यूज करते हैं हु का यूज करते हैं, हैं। इसलिए बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा हु हो जाएगा और आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा हैं अरे कहाँ खोए हो तुम है खोए हुए कहाँ हो नींद आ रही है क्या तुम लोगों को आ ही नहीं सकती मेरी क्लास में नींद आ जाए हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल मेरी क्लास में नींद आ जाए ये इम्पॉसिबल है सर और एक बच्चे ने लिख दिया क्या लिखा कि जिम्मेदारियों की धमक से बचपन का खिलौना टूट गया ओजार पकड़े हाथों के तो हर सपना टूट गया जरा सर उम्र बीती हंसी हंसी ने साथ छोड़ा अपनों का साथ धीरे से खुद ब खुद छूट गया अपनों का साथ धीरे से खुद बखुद छूट गया सर, नहीं हो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन आ जाते हैं ऐसी कंडीशन में आपकी वर्ब सिंगुलर भी सही होती है प्लुरल भी सही होती है तो आपका मेक और मैक्स दोनों सही होगा ये याद रखना सर लेकिन सर कभी बात आ जाए कि हम प्रीफर किसको करते हैं तो प्रीफर हम किसको करेंगे सर सिंगुलर प्रीफर करेंगे ये याद रखना इसीलिए सर ए ऑप्शन यदि आपको ये मान लीजिए कि सर ए ऑप्शन होता बी ऑप्शन होता एक में प्यारे बच्चे आपका मैक्स होता एक में प्यारे बच्चे आपका मे होता तो ऐसी कंडीशन में हम किसको यूज करते एक का यूज करते आपको ये ध्यान में रखना है ठीक है हाँ जी सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सर इसी जोश और जुनून के साथ में बताइए सर गैंडर आपके सामने क्या है सर बत्तक होता है ये सर क्या होता है मेस्क्यूलिन जेंडर तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा गूज हो जाएगा बच्चे एक चीज को और क्लियर करना कि गीज जो होता है वो सर क्या होता है प्लूरल होता है और बच्चे प्लूरल किसका होता है गूज का ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है ये याद रखना चलो जी सर अगला क्वेश्चन बताइए सर आइडल्ड अवे का मतलब क्या हो जाएगा आइडल्ड अवे का मतलब क्या हो जाएगा मुझे हर बच्चे की ओर से जवाब चाहिए बोलो 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 सपनों से बाहर निकल जाओ मेरे शेर शेरणियों सपनों से बाहर आ जाओ सपनों से बाहर आ जाओ जी सपनों से बाहर आ जाओ फटाफट बोलो सपनों से बाहर आ जाओ सर आइडल्ड बच्चे एक वर्ड में आपको बार बार पढ़ाया करता हूं आइडल और आइडल का मतलब क्या होता है सर बेकार होता है तो किसी भी चीज को सर आइडल अवे कर दिया यानी सर उसको वेस्ट कर दिया बच्चे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है, हो जाएगा सी वालो आराम से कहा हो भाई आइडल अवे का मतलब क्या होगा वेस्टेड किसी चीज को बेकार ये बेकार से रिलेटेड है बच्चे ये आराम से रिलेटेड नहीं है मेरे भाई ठीक है चलो सर आ जाओ सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने सर फिल्ली बच्चे फिल्ली का एंटोनिम आपको पूछा है तो क्या हो जाएगा सर सही जवाब दे दो जी फिल्ली का क्या हो जाएगा बोलो सर बोलो बोलिए सर फटाफट से सर फिल्ली आपका क्या होता है फिल्ली का सॉरी जो अपोजिट जेंडर है वो आपका कोल्ट हो जाएगा है ना ये आपकी फेमिनिन जेंडर होती है ये सर मैस्कुलिन जेंडर होता है और ये दोनों घोड़े की प्रजाति होते हैं हॉर्स की प्रजाति होते हैं ये ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर ये क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है इसमें बड़े बड़े बच्चे घूम जाते हैं ठीक है हाँ जी सर एक बार क्लास को शेयर कर दो जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट से जी सर फटाफट से क्लास को शेयर कर दो जिसने शेयर नहीं किया कि कल से क्यों डरता है कल होता है क्या रख खुद पर भरोसा और फिर देख होता है क्या फिर देख होता है क्या बहुत अच्छी बात है चलो सर यहां पर कह है सर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वेलकम एडवाइस उनको यदि कोई एडवाइस देता है तो वो उसका स्वागत करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो एडवाइस का स्वागत करते हैं फूल्स हैट इट बल्कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इसका क्या करते हैं इससे घृणा करते हैं बताइए सर एंड होगा वहरेज होगा या और होगा प्यारे बच्चे सेंटेंस में हमें क्या नजर आ रहा है कॉन्ट्रास्ट यानी सर विरोध नज़र आ रहा है और इन तीनों कन्जक्शंस में से विरोध को जो फॉलो करता है जो कॉन्ट्रास्ट को फॉलो करता है वो आपका वहरेज होता है जिसका मतलब हम क्या कहते हैं सर वहीं पर ऐसा हो गया है ना राम ने खाना खाया वहीं सीता ने पानी पिया राम ने खाना खाया वहीं सीता ने पानी पिया ऐसा आपके सेंटेंस में हो जाएगा तो सर वह रेज आपका सही आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन में देखिए सर यू आपके सामने सर आया जी सर आया और इसका फेमिनिन जेंडर सॉरी मैस्कुलिन जेंडर जो है वो बच्चे क्या हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर आपका सर क्या हो जाएगा रैम हो जाएगा ये आपका फेमिनिन जेंडर है और ये किसके लिए सर भेड़ के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड होते हैं अगला बताइए सर बहुत ही गजब का क्वेश्चन फोर्ड डालो इस क्वेश्चन को सर स्लो एंड स्टडी की बात हो रही है ये सर एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो बहुत धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है और ऐसा ही व्यक्ति बच्चे क्या करता है रेस को जीतता है सिंगुलर इसके साथ में यूज होगा ठीक है कि स्लो एंड स्टडी पर्सन जो है वो क्या करता है रेस को जीतता है बच्चे स्लो एंड स्टडी पर्सन क्या करता है रेस को जीतता है बच्चे इस बात को याद रखना है बहुत अच्छी बात है बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर कुछ क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है कि सर पूर्ण पिछली बार जो करवाई थी उसमें भी क्वेश्चन थे फोड़ पा रहे हैं कितने क्यूशन जो है वो आप क्लियर कर पा रहे हैं दिस इज द मैटर ठीक है ना हाँ जी सर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है क्या या ऐसे ही तुक्का मार के आगे बढ़ रहे हैं ठीक है हाँ जी सर यदि हमें आ रहे होते तो सिलेक्शन ले चुके होते ठीक है इसीलिए बच्चे आपको क्या करना है क्वेश्चंस पे काम करना है चलो भाई बहुत अच्छे हम्म सुपर 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 चलो जी सर फटाफट से बताइए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है बताइए सर लास्ट और लास्ट का आपको क्या करना है सर ऑपोजिट जेंडर बताना है सर बोलिए सर क्या हो जाएगा तो एक बच्चा कह रहा है ये कल भी अपनी बात हुई थी कि सर ये हम बॉय को कहते हैं और बच्चे ये हम किसको कहते हैं गर्ल को कहते हैं तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा सर ठीक है जी जी सर बोलो आया जी सर उलझ गए उलझ गए उलझ गए इसी को उलझना बोलते हैं इसी को उलझना बोलते हैं मतलब क्वेश्चन तैयार नहीं है अपने नहीं पढ़ी अरे लेडी पे आ गए कल अपनी इस पे बात हुई थी कि नहीं हुई थी बताइए मुझे कल हमने बात करी थी जी सर लेकिन हमने सर घुमा दिया हमने घुमा दिया सर उसको लेडी बना दिया अरे सुधरो भाई सुधरो सर लुक बिफोर यू लीव यह अभी दो तीन दो तीन दिन पहले इस, इस, पे काम हुआ था लुक बिफोर यू लीव का मतलब क्या है कि सर सावधानी से सोचना उसके बाद में कोई काम करना होता है ठीक है सर यह हो जाएगा डोंट वरी अगला क्वेश्चन कहता है ही डज ब्लैंक ही इज टॉल्ड टू डू ही डज ब्लैंक ही इज टॉल्ड टू डू बताइए सर फटाफट से बोलो सर हाँ आई एम नॉट डांसिंग गर्ड बोलिए सर फटाफट से बताइए जवाब दीजिए क्या होना चाहिए ही डज ब्लैंक ही इज टोल्ड टू डू यानी वो वही करता है जो उसको करने के लिए कहा जाता है ठीक है हाँ जी सर तो सर आपका क्या हो जाएगा वोटेवर सेंस क्या हुआ? डज वो करता है वोटेवर या वोटेवर का मतलब है बच्चे जो भी

जहां कहीं भी हुए का मतलब होता है सर जो कोई भी जो कोई भी और सर हुएर का मतलब होता है जिस किसी को भी जिस किसी को भी बस यही इसके मीनिंग होते हैं सर बोलो सही है हां जी सर ये आपको पता होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है सर एक आपका wherever एक आपका whoever एक आपका क्या हो जाएगा whomever इनका मीनिंग उसी प्रकार whatever का मतलब क्या है जो कोई चीज देखिए whomever किसी व्यक्ति के लिए तो सर whatever किसके लिए किसी वस्तु के लिए यूज किए जाएंगे ठीक है चलो सर अगले क्वेश्चन को बताइए बोलिए सर ही वाज गिवन अप ही वाज गिवन अप आपको सर सही जवाब देना है ही वाज गिवन अप अब बताइए सर इसके बाद में क्या होना चाहिए हां बोलो बोलो एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट जो है वो गर्ल के लिए बताया था मैंने उल्टा बता दिया क्या ओ हो हो हो, हो। सॉरी 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 ये उल्टा हो गया मैटर वो बच्चा जाग गया लास्ट बताया था गर्ल और लेड आपको क्या बताया था बॉय बताया था प्रेमी और प्रेमिका के लिए ठीक है ना चलो सर उल्टा हो गया सॉरी हो जाता है कभी कभी होता है चलो ये बताओ बताइए सर ही वॉज गिवन अप अब गिवन अप में अब आपका क्या है सर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म फॉर्म तो याद रखना कि यदि आपके सेंटेंस में प्यारे बच्चे क्या होता है सर प्रीपोजिशन हो जाए तो प्रीपोजिशन के बाद में जो आपका वर्ब आएगा बच्चे वो वर्ब जो है वो कैसी फॉर्म लेगा आई एनजी फॉर्म लेगा आपको यह ध्यान में रखना है ठीक है जी इसलिए बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा स्मोकिंग ही वोज गिवन अप स्मोकिंग सर वो स्मोकिंग को क्या कर चुका था गिवन अप कर चुका था नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर फाइट टूथ एंड नेल कि सर कोई व्यक्ति अपने दांतों से नाखूनों से क्या कर रहा है बताइए सर फटाफट से बोलिए सर बोलिए सर बोलिए सर हाँ एक बच्चा कह रहा है सर एंटर के साथ में इनटू आता है क्या नहीं आता जैसे आप इसका आंसर दीजिए मैं बताता हूं एक सेंटेंस आपके सामने है सर ही एंटर्ड द रूम एंटर द रूम उसने कमरे में क्या किया प्रवेश किया तो यहां पर क्या होगा इंटू नहीं आएगा लेकिन सर ऐसा हो जाए ही एंटर्ड ही एंटर्ड into द कन्वर्जेशन बहुत ही प्यारी चीज है नोट कर लेना He entered into द कन्वर्जेशन यदि कोई व्यक्ति किसी बातचीत के बीच में आ जाता है ऐसी कंडीशन में इंटू आता है याद रखना जब दो लोग बातचीत कर रहे हैं कोई बीच में आ गया तो एंटर इंटू कन्वर्जेशन होगा लेकिन यदि बच्चे कोई कमरे में एंटर कर रहा है तो ऐसे में एंटर के साथ में इंटू नहीं लगेगा ठीक है जी हां जी सर अब क्या हो जाएगा सर दांतों से नाखून से लड़ने का क्या मतलब है सर इसका मतलब है कि सर जितना हो सकता है उतना प्रयास करना किसी चीज को पाने के लिए और आप भी उतना प्रयास कीजिए जितना आपसे हो सकता है क्या वर्दी पाने के लिए बताइए सर आई रीड द बुक ब्लैंक आई वॉज इन हॉस्पिटल बताइए सर आई रीड द बुक ब्लैंक आई वॉज इन हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है बिकॉज इफ है बताइए सर सही क्या हो जाएगा बोलिए सर फटाफट से सही क्या हो जाएगा सर आई रीड द बुक ब्लैंक आई वॉज इन हॉस्पिटल क्या कहना चाहता है वो हॉस्पिटल में था उस समय उसने ऐसा किया इसका मतलब क्या है कि सर उस समय ऐसा उसने किया आपका क्या हो जाएगा वाइल्ड हो जाएगा जो सेंस दे रहा है सर ड्यूरिंग का किसका सेंस दे रहा है ड्यूरिंग का सेंस दे रहा है कि जब मैं हॉस्पिटल में था अरे रीड नहीं है रेड है सॉरी

एट नंबर का जो क्वेश्चन है उसको वापस बताओ चलो आप इसका आंसर दो थर्टी एट को मैं एक बार बताता हूं थर्टी एट में अरे बच्चे ये आपका यू जो है वो किसको कहा जाता है सर भेड़ को कहा जाता है मादा भेड़ को और आर एम रेम जो है वो आपका सर नर भेड़ा होता है चलो सर तो ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है सर दिस बुक का मतलब बात किस में हो रही है सर प्रेजेंट में में बात हो रही है यानी अभी भी उस बुक एक सौ बीस पेज है हैं। तो सर क्या हो जाएगा कंटेंस हो जाएगा दिस बुक कंटेंस कि ये जो बुक है उसमें शामिल है या वो कंटेन करती है एक सो बीस पेजेज को कंटेन करती है बच्चे ठीक है चलिए सर अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर गिफ्ट ऑफ द गेब बताइए सर गिफ्ट ऑफ द गेब क्या होता है गिफ्ट ऑफ द गेब क्या होता है बोलिए सर टू बी लकी हो जाएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग हो जाएगा टू विन अ प्राइस हो जाएगा टू टेक द गिफ्ट हो जाएगा बच्चे बात क्लियर है साफ है एकदम बात एकदम क्लियर है बात एकदम साफ है कि सर यहां पर क्या होना चाहिए सर गेब का मतलब क्या होता है बकबक बक करना गेब का मतलब क्या होता है बच्चे बकबक बक करना होता है दैट इज द रीजन कि सर टैलेंट फॉर स्पीकिंग हो जाएगा सर बोलने के लिए किसी व्यक्ति में टैलेंट है इसी को बच्चे गिफ्ट ऑफ द गैब कहा जाता है बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर बताइए मेनी ऑफ अस कैन रीड इंग्लिश हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं ब्लैंक कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इंग्लिश बोल नहीं सकते बताइए सर सेंटेंस आपसे क्या कहता है बोलो मेरे भाई सेंटेंस आपसे क्या कहता है इसका सही जवाब जो है वो आपकी ओर से मुझे चाहिए बोलो 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 फटाफट हम्म बोलिए जी क्या हो जाएगा कि सर बहुत सारे इंग्लिश बोल लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते कॉन्ट्रास्ट हो गया और जहां प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाता है सर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ऐसी कंडीशन में हम क्या करते करते हैं हैं बट का यूज करते हैं। तो बच्चे यहां पर आपका क्या हो जाएगा जी बट हो जाएगा विरोध हो गया चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है दिस वाइंड ब्लैंक द कैंडल कि ये जो हवा है उसने सर मोमबत्ती को क्या कर दिया है या तो बुझा देती है या बुझा दिया है या बुझा चुकी है जैसा भी सेंस है आप जवाब दीजिए हाँ जी बोलो फटाफट से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर टू के बाद कौन सी वर्ब आती है देखो बच्चे दो चीजें हैं प्यारे बच्चे यदि आपका क्या होता है इनफिनेटिव होता है टू यदि आपका इनफिनेटिव होता है तो सर ऐसी कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है ये याद रखना और टू प्यारे बच्चे आपका क्या होता है प्रीपोजिशन के रूप में किसी सेंटेंस में आया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब होती है वो आई लेती है इस बात को याद रखना है जैसे सर एक सेंटेंस आपका आया आई वांट इसके बाद में हमने टू गो लगाया तो आई वांट टू गो में टू क्या है सर इंफिनेटिव है यहां पर टू क्या है सर इंफिनेटिव है बहुत ही प्यारी चीज है जिस बच्चे को नहीं आता वो देख लेना ठीक है सर अगला एक सेंटेंस देखा सर आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आप प्यारे बच्चे यहां पर आपका देखिए टू के साथ में क्या आया है मीटिंग आईएनजी फॉर्म आया है यहां पर टू आपका जो है वो क्या है? सर प्री पोजिशन यानी फिक्स प्री पोजिशन है लुक फॉरवर्ड टू जो है वो आपका एक फ्रेज होता है तो टू के साथ दोनों आता है दोनों कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखने चाहिए दोनों पे आपको काम करना चाहिए अब सेंटेंस को देखना सर यह सिंगुलर है तो इसके बाद में ब्लू बताइए ब्लू हो सकती है जी सर ये आपका पास्ट है सर तो ब्लू अवे होता है कि पहले तो ये क्लियर करो देखो दो वर्ब हो गई जी क्या हो गई एक तो आपका ब्लू अवे हो गया जी सर एक तो ब्लू अवे हो गया एक पैर बच्चे आपका ब्लू आउट हो गया तो कैंडल को बुझाने के सेंस में किसका यूज करेंगे बुझाने के सेंस में किसका यूज करेंगे सर बुझाने के लिए क्या होता है बुझाने के लिए यह होता है सर ब्लो आउट करना ये बुझाना होता है तो पहली बात तो आपका अब तो दोनों गलत हो गए जवाब दे दो नहीं सकती तो केवल और केवल यहां पर सी आपका जो है, वो सही आंसर हो जाएगा ठीक है जी हाँ जी सर चले आगे चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ डी वालो बाहर निकलो सपनों से देखिए सर टू गिव द डेविल कोई डेविल है उस डेविल को भी यदि आप ड्यू दे रहे हैं उसका बकाया उस डेविल को दे रहे हैं बच्चे इसको क्या कहेंगे आप सही बच्चे सभी बच्चे सही आंसर देंगे बोलिए सर अभी भी अभी भी हाँ एक बच्चा जो है वो लिख रहा है सर कमेंट्स पर भी ध्यान दिया करो थोड़ा मैं कब से सवाल पूछ रहा हूं प्यारे बच्चे यदि आपकी आंखें खुली हैं आपके कान खुले हैं है ना और बॉडी के वो सारे पार्ट्स जो कि आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं यदि वो सारे आपके खुले हुए हैं तो आराम से सुनो मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि इससे जस्ट पहले जो मैंने यह आंसर बताया है ये जो क्वेश्चन बताया है वो कमेंट में से ही उठाकर बताया है इसलिए अंधे मत बनो बच्चे ध्यान दो यहां पर ठीक है चलो सर तो क्या हो जाएगा सर किसी डेविल को सर उसका क्या दे देना प्यारे बच्चे किसी डेविल को उसका ड्यू दे देना इसका मतलब क्या हो जाएगा किसी डेविल को उसका ड्यू देने का मतलब क्या है टू गिव क्रेडिट इवन टू नोटोरियस पर्सन कि कोई बदमाश आदमी है नोटोरियस पर्सन है उस बदमाश आदमी को भी आप आप उसका क्या दे 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 रहे 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 हैं 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 क्रेडिट क्रेडिट सर आप उसको किसी काम का दे रहे हैं, इसका मतलब सर क्या हो जाएगा आपका गिव द डेविल हिज ड्यू हो जाएगा बहुत अच्छे अगले बात करूंगा अगले क्वेश्चन से पहले ये नंबर आपके सामने है एग्जाम से बाहर आते ही आपको इन पे क्वेश्चन भेजने हैं हर बच्चा इनपे क्वेश्चन भेजेगा याद रखना सर नंबर आपके सामने है महायज्ञ सेकंड ग्यारह तारीख को होगा हर बच्चा तैयार रहेगा जिस बच्चे ने अब मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे चलूंगा लेकिन उससे पहले लाइव टेस्ट को ध्यान रखना नौ दस बारह तारीख नौ दस बारह तारीख शाम को सात बजे साइंस सेगमेंट और रात को सवा नौ बजे आपका नॉन साइंस या फिर आप कह सकते हैं सर अदर देन साइंस वाला सेगमेंट जो है उनका होने वाला है मैं फिफ्टी वन नंबर पर चल रहा हूं एक बार क्लास को शेयर कर दो हम अर्ध शतक लगा चुके हैं अब शतक लगाने की ओर हम बढ़ चुके हैं पहला कदम अपना आ चुका है बताइए सर आंसर पहले क्वेश्चन का ठीक है शतक लगाने की ओर चलने वाले हैं बताइए सर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कि सर जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल मेजर हैं आर एक्सपेंसिव वो बहुत महंगे हैं वो क्या है? बहुत हैं बहुत महंगे हैं मेनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो हैजिटेट यानी सर संकोच करती है टू अडोप्ट देम उनको लेने में उनको खरीदने में बताइए सर यहां पर क्या आंसर हो जाएगा बोलिए सर आंसर बताइए सर फटाफट से बोलिए सर बता दीजिए फटाफट से पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव मैनी इंडस्ट्रीज हैजिटेट टू अडॉप्ट देम बोलिए सर एक बच्चा मुझसे जिद कर रहा है कि कमेंट देखिए बताइए मैंने कौन सा सवाल पूछा आप ध्यान नहीं देते हैं यदि हम यहां कमेंट पढ़ने बैठ जाएंगे क्लास में इस समय 1600 सो बच्चे हैं यदि एक एक बच्चा एक एक कमेंट भी करेगा तो 1600 सो कमेंट होंगे और 1600 सो कमेंट को एस के सर बैठे पढ़ने बैठेंगे तो मैं दो घंटे में आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मेरे से वो सोलह सो कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे अपनी मूर्खता का परिचय मत दो जिद मत करो क्वेश्चन को समझो यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो हेल्प डेस्क के नंबर है उन पे आप व्हाट्सएप कीजिए और उनको बोलिए इसके सर जो हैं वो हमें जवाब दे मैं जवाब लिख के भेजूंगा आपका जवाब आप तक पहुंचेगा अब ये कह रहा है कि सर क्योंकि वो महंगे हैं इसीलिए वो खरीदने से डरते हैं तो क्योंकि के सेंस में क्या हो जाएगा सर बिकॉज हो जाएगा ऑल दो हालांकि महंगे हैं उल्टा हो जाता यदि मैं कहता हूं हालांकि महंगे हैं लेकिन फिर भी सारे खरीद चुके हैं ऐसा हो जाता वो कह रहा है सर हाउ एवर का सेंस ही नहीं है सर यहां पर ठीक है अगला कह रहा है सर के बावजूद कि महंगे होने के बावजूद उन्होंने क्या कर लिया खरीद लिए ऐसा हो जाएगा तो उल्टा हमें काम नहीं करना हमें क्योंकि वो महंगे हैं इसलिए वो नहीं खरीद रहे इसलिए बच्चे क्या हो जाएगा Because, आप सही आंसर यहां पर मिलेगा अगला कहता है सर नो सुनर डिड द ट्रेन ब्लैंक एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रस टू आर्ड अस टू आर्ड इट बताइए सर ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है बोलिए सर हां जी बोलिए सर फटाफट से नो सुनर डिड द ट्रेन ब्लैंक एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रस्ट टुअर्ड्स इट सही जवाब देना तो हमें मिला सर यहां पर आपके सामने क्या आया नो सुनर नो सुनर की जोड़ी क्या होती है देन होती है और जब नो सुनर सेंटेंस के शुरू में आता है बात को याद रखना नो सुनर सेंटेंस के शुरू में आता है वर्ब का इनवर्जन होता है और वर्ब का इन्वर्जन होता है तो वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट और आफ्टर सब्जेक्ट आपको क्या मिलता है सर मेन वर्ब मिलती है तो सर डिड के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म यदि आती है तो बच्चे ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाता है सही आंसर हो जाता है ठीक है चलिए सर अगला क्वेश्चन आपके सामने है आई हैव ए जोंडिस्ट आई का सही जवाब दे दो सर आई हैव ए जोंडिस्ट आई प्यारे बच्चे जोंडिस्ट का मतलब होता है सर पीलियाग्रस्त क्या होता है पीलियाग्रस्त और किसी आदमी की आंख पीलियाग्रस्त है इसका मतलब क्या है कि सर वो पक्षपात पूर्ण कार्य करता है वो क्या करता है पक्षपात पूर्ण कार्य करता है क्योंकि उसकी आंख में पीलिया हो गया उसे केवल अपने दिखाई देते हैं उसे दूसरे दिखाई नहीं देते इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए जोंडिस होगा 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 कि प्री हो सर, वो, प्री हो वो पहले ही अपने मन में जजमेंट ले लेता है कि मुझे अपनों के पक्ष में बोलना है मुझे अपनों के पक्ष में बोलना है चल मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे और सुबह आरअसर ने आपसे क्या कहा था कि सर रेगुलर क्लासेस में आप यदि दो पांच लाइक कम कर देते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता ज्यादा क्योंकि सर वो रेगुलर क्लासेस हैं यदि रेगुलर क्लासेस में आप क्लास को थोड़ा बहुत शेयर नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा है आज कल परसों शेयर भी नहीं किया तो कोई बात नहीं लेकिन जब महावेराथन क्लासेस हो रही है जब महायज्ञ हो रहे हैं जब यहां आहुतियों पे आहुतियां जी जा रही होती है ऐसी कंडीशन में यदि आप आहुति देने से चूकते हैं ऐसी कंडीशन में आप यदि आहुति नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लापरवाह हैं इसलिए आपकी आहुतियां यही है कि आप साथ के साथ क्लास को शेयर भी करें साथ के साथ क्लास को लाइक भी करें और सही आंसर भी दे दें ठीक है हाँ जी सर बोलिए सर फटाफट से बताइए सर बताइए सर बताइए सर, सर। वाह जवाब आपके कमेंट सेशन में ऐसे मिलते हैं मजा आ जाता है सर बताइए सर रेसिकल वॉयलेंस यानी जो नस्लीय जो हिंसा है इरप्टेड वो सर भड़क गई थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में हिंसा भड़क गई ब्लैंक मार्टिन लूथर किंग वॉज एसेड इन अप्रैल कि अप्रैल में मार्टिन लूथर किंग जो था उनकी हत्या कर दी गई और उसकी वजह से क्या हो गया साहब हिंसा भड़क गई कहां पर यूएसए में बताइए सर हिंसा भड़क गई इस वजह से भड़क गई तो बात को समझने की कोशिश करना कि सर एक कारण यहां, एक, एक काम यहां पर हुआ जी सर हाँ यहां पर एक काम हुआ उसका रीजन आगे दे रखा है कि वो क्यों भड़क गई तो रीजन बताने के लिए कौन आता है बिकॉज़ आता है इसीलिए सर सी ऑप्शन यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है हाँ जी सर आगे चलते हैं आगे चलिए सर मच ब्लैंक मच ब्लैंक सिंस दे वर हियर लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर क्वेश्चन का आंसर दीजिए मंच मच ब्लैंक सिंस दे वर हियर लास्ट सोच समझने वाली बात है सर सोचने समझने वाली बात है मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई थी और वो ये कि सर आपके सेंटेंस में हेज होता है सर आपके सेंटेंस में हेव होता है सर इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है तो सर जी क्या होता है आपके सेंटेंस में जो सिंस है उस सिंस के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर थर्ड फॉर्म नहीं आती है थर्ड फॉर्म नहीं आती है बल्कि सर उसके साथ में सेकंड फॉर्म आती है क्या ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा जी सर पढ़ा यहां पर देख के सर आया जी सर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हां जी सर आई मतलब अब यहां पर क्या होगा सर हे जेव के साथ में थर्ड फॉर्म होगा प्यारे बच्चे यहां हे जेव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है यहां हे जेव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है सर मच जो है वो क्या होता है अनकाउंटेबल होता है जी सर तो अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है बच्चे अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब

दो महीने से थे पास्ट में है कि वो दो महीने से बीमार थे और सर इसी वजह से क्या हो गया सर उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया ठीक है जी हां जी सर तो बात को समझना कि सर क्या हुआ उनकी जॉब खो गई ये तो रिजल्ट है ये तो क्या है बच्चे रिजल्ट है है ना और मिस्टर खान बीमार थे ये बच्चे क्या है रीजन है आपसे मेरी बात हुई है कि जब हमें रीजन की बात करनी होती है तो सर रीजन कौन बताता है सर रीजन आपका बिकॉज बताता है यदि बिकॉज कभी मना कर दे तो एज बताता है एज कभी मना कर दे तो सिंस बताता है सिंस कभी मना कर दे तो फॉर ये सारे रीजन बताने के लिए आते हैं अपने सेंटेंस में बात क्लियर है कि सर क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा क्योंकि रीजन यही बताएगा जाएगा यहां पर इसका सेंस भी क्या है क्योंकि का भाव दे रहा है अब सेंटेंस को देखो सिंस मिस्टर खान हैड बीन इल फॉर टू मंथ्स क्योंकि दो महीने से मिस्टर खान जो थे वो बीमार थे इसीलिए सर क्या हो गया उनकी जॉब चली गई थी बात समझ में आ गई हाँ जी सर यहां पर सिंस का मतलब क्या है बिकॉज है बच्चे चलो सर अगला क्वेश्चन बताइए सी ब्लैंक द बेस्ट एफल फ्रॉम द बास्केट अब बताइए सर 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 चूज होगा 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 चूजन हो चूजन हो चूजिंग सी आपके सामने सब्जेक्ट है जी जी बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी आएगा जी सर, नहीं आएगा नहीं प्यारे बच्चे सी वोज चूजन का मतलब उस लड़की को किसी और ने चूज कर लिया पैसी वो इस नहीं आएगा जी सर नहीं आएगा चूजन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा जी सर नहीं आएगा यदि चूज आपका सेकेंड फॉर्म है तो बच्चे ये आपका क्या हो जाता है सब्जेक्ट के साथ में विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है तो बच्चे आपका ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा सही आंसर होगा आगे चलते हैं सर आगे आपके सामने है टू ए टेन एट एन हम्बल पाई टू ईट एन हम्बल पाई जवाब दीजिए सर टू ईट एन हम्बल पाई का मीनिंग बोलिए ईट स्लोली होगा ईट फास्टली होगा ईट गुड पाई होगा हेव अपोलोजाइज हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर आपका सर सही आंसर मिल रहा है टू हैव अपलोजाइज हो जाएगा अगला बताइए सर बस ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दे लो ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत काम के होते हैं ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत काम के होते हैं यही लॉजिक एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में हमें इन्हीं लॉजिक्स पे फोकस करना होता है इन्हीं लॉजिक्स पे फोकस करना होता है बताइए सर हाँ बोलो सर बोलो फटाफट ये कह रहा है सर यू आर अनेबल टू पे द फीस यू आर अनेबल टू पे द फीस म विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द स्कूल रजिस्टर तो जब भी रीजन और रिजल्ट की बात होती है फिर आपके पास में कौन आ जाएगा सीस आ जाएगा यहां पर बच्चे वो पीछे वाले सेंटेंस का ही कॉन्सेप्ट आपका लगता है ठीक है जी हाँ जी सर अगले क्वेश्चन को देखिए सर बताइए ही blank to the teacher about his homework प्यारे बच्चे बात को समझने की कोशिश करना कि सर एक आपके पास में लाइव वर्ब होती है जिसका मतलब प्यारे बच्चे लेटना होता है इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है और थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चे लेन होती है प्यारे बच्चे एक लाइव वर्ब आपके पास में और होती है इसका मतलब सर झूठ बोलना होता है झूठ बोलना इसकी बच्चे सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड होती है एक प्यारे बच्चे ले आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है इसका मतलब सर लिटाना होता है क्या लिटाना होता है और सर इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बच्चे वो क्या होती है लेड होती है और बच्चे लेड होती है ये तीन वर्ब होती है तीनों की तीन फॉर्म होती है इस सेंटेंस में क्या आएगा आप दिमाग लगाइए इस सेंटेंस में क्या आएगा सर आप दिमाग लगाइए मुझे हर बच्चा बताएगा बोलो सर बोलो सर बोलो सर फटाफट से तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर सेंटेंस क्लियर है कि सर क्या उसने किसी चीज को लिटाया नहीं आईएनजी आएगा नहीं क्या उसने लिटाया नहीं लेकिन उसने झूठ बोली ऐसा हो सकता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा सर सी लाइड टू ही लाइड टू द टीचर उसने अपने टीचर से झूठ बोली अबाउट हिज होमवर्क अपने होमवर्क के बारे में तो झूठ बोलना यहां पर सही मीनिंग देता है ठीक है अभी भी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके इसको बता दो सर राइजिंग स्टार माई राइजिंग इंडिया राइजिंग स्टार कौन है सर माई राइजिंग इंडिया है मतलब क्या हो जाएगा कम इन टू प्रोमिनेंस प्रोमिनेंस का मतलब होता है सर शोहरत ठीक है प्रोमिनेंस में आना राइज अबाउट द मून मून के ऊपर चले जाना साइनिंग स्टार बन जाना डार्क स्टार बन जाना तो सर राइजिंग स्टार का मतलब है कि कोई व्यक्ति का इतना ग्रोथ होना कि सर वो शोहरत में आने लग जाए यानी सर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन बताइए इज इज लाइफ होप प्यारे बच्चे ये आपका क्या है प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब आपके एग्जाम में जब आते हैं तो बच्चे बहुत गलतियां हो सकती है आप हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना कि जितने प्रोवर्ब मैंने आपको बताई है आज का सेशन समर्पित क्यों है सर इसके पीछे का एक रीजन जानिए आज का सेशन समर्पित क्यों है इसके पीछे का रीजन जानिए कि एक तो आज के सेशन में आपको प्रोवर्ब बहुत मिलेंगे एक आज के सेशन में आपको इडियम्स बहुत मिलेंगे एक आज के सेशन में आपको ऑपोजिट जेंडर वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे एक आज के सेशन में आपको कंजक्शन बहुत ज्यादा मिलेंगे यह सेलेक्टेड सेशन है और इसमें चीजें वो मिलेगी जो एग्जामिनेशन में बार 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 घूम आती है इसलिए आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे ने कहा साठवें क्वेश्चन को चेक कीजिए बच्चा साठवां क्वेश्चन एकदम सही है सिंस यू आर अनेबल टू पे द फीस क्योंकि तुम फीस देने में अनेबल हो क्योंकि तुम फीस देने में अनेबल हो योर नेम विल बी स्टक ऑफ तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा फ्रॉम द स्कूल रजिस्टर स्कूल रजिस्टर से टिल का यहाँ कोई सेंस नहीं है वेन का यहाँ कोई सेंस नहीं है और बच्चे आपका वाइल जो है वो भी यहां पर कोई सेंस नहीं रखता है ठीक है जी सर ओके okay. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो आप यहां पर विल बी और आर को देख के वेन लगाने की सोच रहे हो हैं वेन लगाने की सोच रहे हो ना मत लगाना वरना गलत हो जाएगा मामला सेंटेंस के सेंस पर भी हमें बहुत बार जाना पड़ता है तब हम नियमों को लांग के आगे बढ़ते हैं बच्चे इसीलिए तो वेन लिखा है इसने और देख वेन को ऊपर भी लिखा है इसने से ऊपर लिखा था कि तू लगाए ठीक है मत लगाना चलो सर अगला क्वेश्चन बोलिए सर क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बताओ सर आई कैन स्पीक ब्लैंक इंग्लिश सो आई अंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ द स्पीच आई कैन स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल सकता हूं सो आई अंडरस्टैंड सम पार्ट इसलिए मैं कुछ पार्ट को समझता हूं ऑफ द स्पीच इस भाषण के कुछ पार्ट को समझता हूं बताइए सर फटाफट से इसका जवाब दीजिए हां जी सर इसका जवाब दीजिए क्या यहां पर ए इंग्लिश होगा एन इंग्लिश होगा या द इंग्लिश होगा बच्चे जहां तक मैं सोचता हूं यहां पर किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि जो स्पीक करता है सर वो किसको स्पीक करता है लैंग्वेज को स्पीक करता है लैंग्वेज को स्पीक करता है और लैंग्वेज का सर ये एक नाम है और लैंग्वेज के नाम के साथ में किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है ठीक है जी हाँ जी सर अगले क्वेश्चन को बता दो सर टू बी इन डीप वोटर सर बहुत गहरे पानी में होने का क्या सेंस है बहुत गहरे पानी में होने का क्या सेंस है बोलो सर फटाफट से अरे मुझे लगता है कि सर एक घंटे से ज्यादा हो गया इसलिए तुम बोर हो गए बोर हो गए कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बोर हो रहे हैं

हाँ जी सर कि सर डीप वॉटर में होने का क्या सेंस है सर डीप वाटर में होने का सेंस है सर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में होना पैसों की बहुत ज्यादा जब तंकी होती है तो आदमी कहता है अभी मैं तो पानी में हूँ भाई ठीक है चलो सर कि मिलती थी रोजमुरारी से और से टिंग थी गिरधारी से खर्चा राजू से लेती थी जरमाती थी बनवारी से बोलो जी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम तुम्हें तुम्हारा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए ब्लैंक यू अल्टीमेट अब जवाब दो सर तुम यदि डरपोक हो तो सर पहली बात तो टाइम नहीं होगा दूसरी बात सर यहां पर सुड नोट और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है डेट का कोई सेंस नहीं निकल रहा है निकल रहा है नहीं सर सिंस का निकल रहा है क्योंकि तुम डरपोक हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर नहीं हो सकता अनलेस एकमात्र है जो कंडीशन बता रहा है कि यदि तुम डरपोक नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहिए तुम्हें यह काम करना चाहिए बोलो बात सही है हां जी सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ कुड यू प्लीज टर्न ऑफ कुड यू प्लीज टर्न ऑफ ब्लैंक रेडियो क्या तुम रेडियो को टर्न ऑफ कर सकते हो बंद कर सकते हो इट हैज बिकम अगेन ये फिर से सर, हो गया बोलिए सर सर क्वेश्चन क्वेश्चन आपको क्या कहता है? सर, ये कहता है है ये कि रेडियो यानी सर इंस्ट्रूमेंट हो गया जी सर तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है है ना जो बजने वाले यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है सर इनके साथ में आर्टिकल कौन सा लगाएंगे क्या ए लगाएंगे एन लगाएंगे दे लगाएंगे बताइए सर यहां पर क्या आ जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया क्या? हाँ जी सर तो यहां पर वो कह रहा है क्या तुम पर्टिकुलर रेडियो को क्या करोगे देखो दो रहे हैं एक आपका बजने वाला यंत्र भी है और एक पर्टिकुलर भी है कैसे कि सर जो रेडियो बज रहा है उसी के बारे में कहा जा रहा है प्लीज इस रेडियो को बंद कर दोगे जो आपने हाथ में ले रखा उसको है ना ए रेडियो का मतलब कोई भी रेडियो जो बज रहा है उसको बंद कर दो बाकी को चलने दो ऐसा थोड़ी है नहीं है जो रेडियो तुमने ले, ले रखा उसको तुम क्या कर दो बंद कर दो चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ सर हिट बिलो द बेल्ट सर बेल्ट के नीचे हिट करना आय्यो रामा बेल्ट के नीचे किस किस को पड़ी रे स्कूल में गुरुजी डंडा लेके मुर्गा बन जा और मुर्गा बना के फिर ढंग से डंडे से बेल्ट के नीचे किस किस को पड़ी है

सही जवाब देने की कोशिश कीजिए बोलिए सर हाँ बोलो जी सर एक बच्चा कह रहा है सर क्लास के बीच में गाने मत गाया करिए प्लीज मैं तो गाऊंगा मेरी तो आदत है मैं इसको नहीं छोड़ सकता आर एस सर बी एस सर को बोल दो इसके सर को निकालो यहां प्लेटफॉर्म से ये गाने गाते हैं और वो कह देंगे मैं चला जाऊंगा और क्या मुझे तो इतना तो आता ही है हाँ मैं तो वो हमारे यहाँ पर एक ढोलक बजा के और वो ढोलक बजा के दो दो रुपए मांग मांग के खाता में वैसे कर लूंगा क्या दिक्कत है हैं हाँ, अल्लाह के नाम पे दो रुपया दे दे कैसा कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूं वैसे कर लेंगे क्या दिक्कत है मत गया रहा 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 ज्ञान दे पढ़ाई करना क्यों से ना रहा आ कि नहीं तेरे को सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना तू सुन मत चलो जी सर बताओ फटाफट से ही इज इज स्लो स्टडी प्यारे बच्चे वो धीरे तो जरूर चलता है लेकिन रेगुलर चलता है सर यही तो उसकी है बात हो गया ना विरोधाभास हो गया ना विरोधाभास है कॉन्ट्रेस्ट हो गया जी सर और कॉन्ट्रास्ट होता है तो किसका यूज करते हैं सर बट का यूज करते हैं ठीक है ठीके? किसका यूज करते हैं बट का यूज करते हैं ठीक है जी चलें चलो सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आई वॉज हैप्पी टू सी ब्लैंक पुलिस मैन सेव्ड माई कैट जवाब दीजिए सर बताओ फटाफट से क्या होना चाहिए बोलो सर फटाफट से क्या होना चाहिए हाँ जी सर बोलो 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 बोलो, बोलो, बोलो फटाफट जी mm -hmm. मिला क्या अरे कौन से पुलिसमैन की बात हो रही है सर जिसने मेरी केट को बचा लिया उस पुलिसमैन की बात हो रही है तो क्या पुलिसमैन पर्टिकुलर है जी सर है और पर्टिकुलर यदि कोई प्रोपर नाउन सॉरी कॉमन नाउन आपका होता है तो उसके साथ में किसका यूज कर लेते हैं है. बात सही है ओके जी गुरु जी आगे चले चलिए सर अगला क्वेश्चन आपको कहता है टू तो बी हार्ड टू तो प्लीज सर टू तो बी हार्ड टू तो प्लीज का मतलब क्या हो जाएगा कि सर इतना हार्ड कोई आदमी होता है कि उसको कोई राजी नहीं कर सकता बताइए सर हां जी सर हाँ बोलो 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 हां जी स्पीड 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 से काम करो तो सर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि सर डिफिकल्ट टू प्लीज हो जाएगा यानी किसी को राजी करना जब बड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए आइडियम कौन सा होता है सर टू बी हार्ड टू प्लीज हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है मेन पर्पज गॉड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है और यहां पर आपके सामने सर सेम रैंक है कि नहीं है हाँ जी सर और जब सेम रैंक आपके सामने होती है ऐसी कंडीशन में बच्चे किसका यूज यूज होता होता है 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 एंड का होता है। ये करवाया हुआ क्वेश्चन हाँ या ना हाँ जी सर बहुत अच्छे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर डू यू बिलीव इन गॉड बताइए सर ए गोड एन गोड, गोड या फिर नो आर्टिकल गोड बोलो कौन सा गोड होगा बोलो फटाफट से कौन सा गोड होगा सही जवाब दे दो पता है क्या नहीं है हाँ जी चलो सर हाँ एक बार मैं थोड़ा सा देखता देखिए लाइक लाइक तो कितने कर कर रखे रखे हैं? अच्छा, सत्रह 1700 बच्चे ठीक है शेयर किस किस ने नहीं किया बेटे सर हमें यह सुना दो वो सुना दो ये क्वेश्चन करा दो वो करा दो ये टॉपिक करा दो ये नहीं कराया वो नहीं कराया आप ये नहीं करते वो नहीं करते बेटे कहने में तो एक नंबर है हाँ, और जब मेरी बारी आती है मैं कह देता हूँ यार थोड़ा शेयर कर दो क्लास को ओ, सुनते ही नहीं बेटे मैं सबकी सुनता हूँ मेरी कोई नहीं सुनता ऐसा भी होता है क्या ऐसा भी होता है ये तो एक तरफा प्यार हो गया एक तरफा प्यार हो गया ऐसे मत करो यार प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए ठीक है जितना मैं करता हूं उतना आप भी करें तब मजा आए भाई ठीक है तो एक बार जिस बच्चे ने मन से क्लास को एक बार भी शेयर नहीं किया अभी तक जिसने एक बार भी लाइक नहीं कर रखा वो एक बार तो लाइक कर देगा एक बार भी शेयर नहीं किया वो एक बार शेयर कर देगा और बताएगा सर कि गोड के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है भगवान अल्टीमेट है ना जिसको अलमाइटी बोलते हैं उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है चलो सर कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, very important है, बच्चे। कास्टिंग वोट, very important है। सर इसी को डिसाइडिंग वोट बोलते हैं सर कास्टिंग वोट क्या हो जाता है डिसाइडिंग वोट हो जाता है जो डिसाइड करता है ठीक है डिसाइडिंग वोट जो डिसाइड करता है बच्चे वो हो जाता है चलो मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से बोलो सर कि क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर आज जोर से नहीं बोला जा रहा ऊपर नहीं जा रही आवाज ठीक है इसलिए मैं ऐसे ही गाऊंगा क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर तुझ में भी वो बात है तेरी भी ओ है तू भी बन सकता है सिकंदर बस उसी जोश के साथ में आ जाओ आई हेड नो अदर नो अदर हॉबी मेरे पास में दूसरी हॉबी है ही नहीं थी नहीं मेरी कोई आदत नहीं थी डेट ऑफ कलेक्टिंग बुक्स लेकिन किताबें कलेक्ट करने की आदत ही और मेरे कमरे में किताबें खूब भरी है सर जब नौ अदर अपने पास में होता है तो इसके साथ में बच्चे क्या आ जाता है सर देन आ जाता है इसीलिए बच्चे क्या हो जाएगा ये ध्यान रखना टी एच ई एन नहीं होगा बच्चे ए एन डी नहीं होगा बच्चे बी यू टी नहीं होगा ये याद रखना याद रखना याद रखना ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया ये ध्यान रखना ठीक है चलो बच्चे अगला बताओ सर इंफॉर्मेशन इज इंपोर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन दिमाग लगा के आंसर देना क्या यहां पर -information होगा, -information होगा, -information होगा, या कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा सही जवाब देना सोच समझ के जवाब देना प्यारे बच्चे सबको पता है कि इंफॉर्मेशन आपका क्या होता है सर अनकाउंटेबल होता है कैसा होता है अनकाउंटेबल यहां पर कौन से इंफॉर्मेशन की बात हो रही है सर किसी भी सूचना और कोई भी जो सूचना होती है वो सूचना सर क्या होती है वो सूचना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी होती है तो सर जनरल सेंस में है कौन से सेंस में जनरल सेंस में है सर और इसका रीजन क्या है क्योंकि एनी एनी ऑर्गेनाइजेशन आ गया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो सूचना भी कोई भी है ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होता आपका अनकाउंटेबल uh, नाउन जो है वो आर्टिकल है नहीं लेता है ठीक है हाँ जी सर एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर जो 73 है उसमें बिलीव के बाद में इन कैसे आया बच्चे बिलीव के साथ इन ही आता है ठीक है हां जी सर भगवान में विश्वास की बात हो रही है बिलीव इन गॉड हो जाएगा ठीक है चलो भाई अगले क्वेश्चन को आ जाओ अगले क्वेश्चन में आ जाओ सर एन आयरन हैंड का मतलब क्या होगा एन आयरन हैंड का मतलब क्या होगा सर स्ट्रांग लव सॉरी कंट्रोल लवली लवली प्यार के साथ में किसी चीज को कंट्रोल करना कंट्रोल सीवियरली गंभीरता के साथ में किसी चीज को कंट्रोल करना अ हैंड मेड ऑफ आयरन एक हाथ जो लोहे का बना होता है या अ पावरफुल हैंड या एक पावरफुल हैंड होता है बच्चे आयरन हैंड ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो अगला उठता नहीं है उठ जाता है कातिया मर्द बन के जीना है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे गंभीर होकर हम कंट्रोल करते हैं ना किसी को गंभीर होके हम कंट्रोल करते हैं बच्चे उसी को क्या बोलते हैं आयरन हैंड बोलते हैं ठीक है चलो सर ही रिकवर्ड फ्रॉम फीवर ही रिकवर्ड फ्रॉम फीवर ब्लैंक ही contracted ए बैड cold प्यारे बच्चे सोचने वाली बात है समझने वाली बात है सही आंसर देने वाली बात है बोलिए सर फटाफट से बताइए बोलो जी सर एक बच्चा मुझे पूछ रहा है सिंस और फोर में डिफरेंस बता दो गुरुजी ठीक है सर बता देते हैं बच्चे सिंस आपका क्या होता है टाइम के साथ फोर भी आता है टाइम के साथ, सिंस जो है वो बच्चे, आपका के साथ में आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आता है और फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आता है यदि मुझे कहना है सर थर्ड जुलाई से मैं यहां पर हूं तो मैं बोलूंगा सिंस ठीक है और मैं बोलूंगा सर थ्री मंथ से मैं यहां पर हूं तो मैं बोलूंगा फोर फोर थ्री मंथ पीरियड है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा क्लियर करेगा बच्चे क्या लेगा ए ऑप्शन आपका क्लियर करेगा ठीक है सर चलो भाई अगले क्वेश्चन में आओ और बता दो कॉफी इज बेड फॉर यू प्यारे बच्चे दो तीन सेंटेंस लिखता हूं दो तीन सेंटेंस लिखता हूं आप सेंटेंस को देखना आप सेंटेंस को देखना देर इज हेयर इन द टी ठीक है सर फिर एक सेंटेंस है देर इज हेयर इन टी ये दो सेंटेंस यहां से सीखने को मिलेगा सर बहुत कुछ प्यारे बच्चे आपका जो टी होता है वो सर क्या होता है टी जो होता है वो क्या होता है सर ये आपका अनकाउंटेबल होता है ठीक है सर और अनकाउंटेबल के साथ में जनरल सेंस में कैसे सेंस में जनरल सेंस में जनरल सेंस में क्या नहीं होता आर्टिकल्स का यूज नहीं होता आर्टिकल्स का यूज नहीं होता सोचने वाली बात है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है समझना सर सेंटेंस है देर इज हेयर इन टी कि चाय में एक बाल है देर इज हेर इन देर इज अर इन टी कि चाय में एक बाल होता है मुझे बताइए चाय में एक बाल होता है चाय में एक बाल होता है और चाय में बाल है बताइए सर सही सेंटेंस कौन सा है चाय में बाल है या चाय में बाल होता है अब इसका मतलब तो हो गया कि सर जितनी भी बार चाय अपने सामने आएगी दुनिया में जो भी चाय है चाय है चाय है चाय है चाय में बाल है समझ गए जी सर क्या ये पॉसिबल है ना सर ये पॉसिबल नहीं है चाय में बाल नहीं होता है बल्कि चाय में बाल है मतलब जो चाय तुमने मुझे पीने के लिए दी है जो चाय तुम पी रहे हो जो चाय मम्मी के पास में पापा के पास में उसमें बाल है तो सर यूज होगा क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर चाय की बात हो रही है समझ गए ना यहां जनरल सेंस में नहीं है जनरल सेंस में नहीं है पर्टिकुलर है तभी वो बाल की बात कर रहा है जी सर अब मेरी बात को समझना कि सर कॉफी इज बैड फॉर यू तुम्हारे लिए कॉफी अच्छी नहीं है यानी बुरी है मुझे बताओ कौन सी कॉफी की बात हो रही है कौन सी कॉफी की बात हो रही है हैं जो दुबई से लाए वो कॉफी जो हमने ऑनलाइन मंगाई अमेजोन से वो कॉफी जो आर सर ने पिलाई वो कॉफी पर्टिकुलर है जी सर नहीं है नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा बच्चे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसीलिए कंफ्यूज मत होना इसीलिए कंफ्यूज मत होना यदि ये सेंटेंस है इज इन ची टी तो ऐसी कंडीशन में चाय पर्टिकुलर है क्योंकि बाल वाली चाय की बात हो रही है ठीक है ऐसे सोचना है बच्चे कॉन्सेप्ट को चलो सर अगला क्वेश्चन हॉट वोटर आ गया जी सर क्या गया? आ गया हॉट वोटर आ गया गर्म पानी आ गया और गर्म पानी का मतलब सर कोई भी समस्या होती है टर्बल होती है ठीक है सर अगला क्वेश्चन देखिए द न्यूज ब्लैंक ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स ठीक है द न्यूज ब्लैंक ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स बताइए सर फटाफट से जवाब दीजिए मेरे बच्चे हाँ जी सर बोलो 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 फटाफट बोलो फटाफट बोलो फटाफट बोलो, फटा फट, बोलो, फटा फट, बोलो सही जवाब देते जाइए बच्चे हर बच्चे को जवाब देना है आपका जोश आपकी जिद आपका जुनून जीवित होना चाहिए ठीक है चलिए सर तो यहां पर वह समाचार कि वो रिटायर हो रहा है ये गलत है तो बच्चे क्या होना चाहिए सर दोनों को जोड़ने के लिए न्यूज दैट हो जाएगा ठीक है हां जी सर चले आगे चलिए सर आगे आ जाओ सर फटाफट से अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोलिए सर क्या होगा ए मेन होगा, मेन होगा एन मेन होगा या कोई मैन नहीं होगा बताओ सर आर्टिकल कौन सा लगेगा आर्टिकल मुझे सही लगा के दो आप मुझे सही आर्टिकल लगा के दो कौन सा आर्टिकल करेक्ट है तो एक बच्चे ने कहा कि सर मेन और वुमन जब भी किसी सेंटेंस में जनरल की जरूरत नहीं होती है तो बच्चे आजकल जनरल सेंस में भी एम एन लिखा जाने लगा है लेकिन फिर भी हमें इसी को फॉलो करना है क्योंकि अभी परीक्षा में इसी को सही माना जाता है ठीक है चलो भाई अगले क्वेश्चन में आओ बताओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है सर क्यूशन का मतलब क्या होता है? सर, का मतलब होता है, कुछ जो सॉल्व नहीं हुआ वो उलझा हुआ है ठीक है जी हाँ जी सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ सर फटाफट से अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है आई कैन नॉट रीड स्मॉल प्रिंट मैं स्मॉल प्रिंट या छोटे छोटे जो प्रिंट है उनको नहीं पढ़ सकता ब्लैंक आई वॉन्ट टू गेट माई आई टेस्टेड मुझे अपनी आंखें जो है उनको चेक कराना है मैं छोटे छोटे टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता हूं इसीलिए मैं क्या करूंगा सर अपनी आंखों को चेक कराऊंगा बट हो होगा दैट होगा देरफोर होगा दो होगा बताइए सर आई कैन नॉट रीड स्मॉल प्रिंट मैं स्मॉल प्रिंट को रीड नहीं कर सकता हूं इसलिए सर मुझे क्या कराना है ऐसा काम कराना है तो बच्चे देर फोर हो जाएगा ठीक है जी हां जी सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नाइन्थ लेसन इन दिस बुक

दे का यूज होता है ऑर्डर में कौन सा लेशन नाइन्थ लेशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा दे हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे क्लियर मेरे भाई हाँ जी सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर बताओ इन एप्पल ऑफ डिसकॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि सर एक ऐसा एप्पल जो डिस्कॉर्ड बच्चे डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है डिसएग्रीमेंट यानी सर एक एप्पल पर क्या हो जाता है डिसग्रीमेंट हो जाता है आपस में लोग भिड़ जाते हैं यानी सर क्वारल यानी लड़ाई का कोई भी कारण हो जाता है तो लड़ाई का कारण हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा सर लड़ाई का कारण हो जाएगा ठीक है चलो जी सर अगला क्वेश्चन बताइए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कहता है His theory is interesting. कि उसकी थ्योरी इंटरेस्टिंग है. Blank it does not convince me. इसकी थ्योरी तो इंटरेस्टिंग है वो मुझे कन्विंस नहीं करती है थ्योरी इंटरेस्टिंग है वो मुझे कन्विंस नहीं करती है बताओ बिजाइड होगा बट होगा इंस्पाइड ऑफ होगा या अनटिल हो जाएगा सही जवाब देना बच्चे सही जवाब देना सर क्या हो जाएगा तो सर थ्योरी इंटरेस्टिंग है कन्विंस नहीं करती ऑपोजिट है सर यानी सर विरोध कर रहा है क्या हो जाएगा बट हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस में आया है कि थ्योरी इंटरेस्टिंग है लेकिन मुझे कन्विंस नहीं करती है ठीक है सर अगला क्वेश्चन देखिए आई हैव गुड न्यूज प्यारे बच्चे है? बच्चे सुनो मेरी बात को आज चल रही है सर पूर्ण आहुति और इसमें सर मेरे बाद में आएंगे मेथ के प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट किंग ठीक है हाँ जी सर और सर एक विशेष बात आपको मैं बता दूं सुनो मेरी बात को कि सर वन क्लास जिसको आप वन शॉट बोलते हैं इसमें आपके तीन मोक टेस्ट होंगे यह याद रखना सर मेरे बाद में मुकेश सर की क्लास होगी और एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट किंग आग जलवा दिखाने वाले हैं और वो जलवा क्या होगा कि सर एक क्लास होगी और तीन मोक टेस्ट इसमें निपटा डालेंगे इसलिए एक बार मुकेश सर के नाम सारे बच्चे दिल फेंक दो क्लास में

यदि रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन वापस आ रहा है तो मान ले वो परीक्षा में आएगा इसीलिए इसलिए मतलब, मतलब वो, वो, वो क्वेश्चन वापस आया तो भाई अपनी आज की में आप इस बात को याद रखना ओके चलो जी एक चीज मैं आपको देना चाहता था प्यारे बच्चे यदि इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर देता क्या कर देता आई ब्लैंक गुड एजुकेशन बात को समझने की कोशिश करना जी सर प्यारे बच्चे मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कर देता आई हैव गुड नॉलेज ऑफ रीडिंग आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि सर आई हैव गुड एजुकेशन है जी सर आई हैव गुड नॉलेज है ऑफ रीडिंग है जी सर प्यारे बच्चे तीन नाउन हो गए एक आपका सर क्या हो गया एजुकेशन हो गया जी सर एक प्यारे बच्चे आपका नॉलेज हो गया अब आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए इस समय बोर्ड पे होना चाहिए इस समय और एक आपका प्यारे बच्चे न्यूज हो गया बच्चे सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल है और हमें डिक्शनरी क्या कहती है सुनना इस प्यार से इस बात को समझना कि सर जब भी आप गुड और बेड जैसे पार्ट कर देते हैं किसके जैसे आपने एजुकेशन को गुड एजुकेशन बना दिया आपने सर नॉलेज को गुड नॉलेज बना दिया हो सकता है यहां बेड नॉलेज हो जाता आपने न्यूज को सर गुड न्यूज या बेड न्यूज बना दिया याद रखना कि जब नॉलेज और एजुकेशन को आप गुड बनाएंगे बेड बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल ए आएगा यह शाश्वत सत्य है ऐसा होगा लेकिन यदि न्यूज को आप ऐसा कर रहे हैं तो किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं होगा अपवाद को कॉपी में लिखें अपवाद को कॉपी में लिखें यही चीजें एग्जाम में छपती है यह बात को याद रखें बच्चे ठीक है हाँ जी सर ये अंदर की चीजें हैं ये अंदर की चीजें हैं जो एग्जाम में छपती है और उनको मेरा हर सिर सिरने तैयार करता है ठीक है जी चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे सर अ बेड ऑफ थॉर्न्स बताइए सर बेड ऑफ कि सर एक ऐसा बिस्तर जो कांटू का बिस्तर है सर और कांटू का बिस्तर का मतलब क्या हो जाएगा सर अनप्लीजेंट सिचुएशन यानी सर एक ऐसी situation है जो हमें pleasant नहीं लग रही जो सुखदायक नहीं है तो जो सुखदायक नहीं है बच्चे वो अनप्लीजेंट यानी कांटू वाला बेड हो जाएगा बच्चे देखिए तुम खाते हो ताकि तुम क्या कर सको जी सको प्यारे बच्चे अपने सेंटेंस में यदि सो देट होता तो मैं सोदेट का यूज करता लेकिन सर यहां पर सो का यूज ही नहीं हुआ ठीक है जी सर अकेला सो यदि आ जाता है तो उसका मतलब इसलिए हो जाएगा इसलिए मैं ऐसा करता हूं तो सो का यूज भी इसमें तो हो नहीं सकता होम का यूज हो नहीं सकता बट का यूज हो नहीं सकता तो एक ऑप्शन आपके पास में होता है दैट यही सही मीनिंग देगा यू ईट तुम खाते हो दैट यू मे लाई लिव ताकि तुम क्या कर सको जी सको तो केवल और केवल यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है बच्चे अगला बताइए आई हेड टू लिव इन हरी i hate to live in hurry प्यारे बच्चे प्रीपोजिशंस पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ फिक्स चीजें बताई थी कि ये फिक्स फ्रेज आप याद रखना और वो फिक्स फ्रेजेस आपकी परीक्षा में अल्टीमेट रोल प्ले करते हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चे एक ऐसा ही मैंने आपको क्या बताया था इन ए हरी बताया था ठीक है सर इन हरी मैंने जल्दी में होना बताया था ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा यही आपका हो जाएगा सर यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा ठीक है चलिए सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ बताओ सर कम अक्रॉस और कम अक्रॉस का क्या मतलब है सर मैं कल जा रहा था और वो कल आ रही थी मैं तो रस्ते में जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा रहा था मैं तो साइकिल चला रहा था तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं आओ बताओ तो कम अक्रोस वो गया वो आया मिले आपस में तो सर किसी आदमी से अचानक मिलना ही आपका क्या होता है कम अक्रॉस होता है किसी आदमी से अचानक मिलना ही क्या होता है कम अक्रॉस होता है चल मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कहता है ब्लैंक यू आर अब सेंटेंस को समझने की कोशिश करना स्टे का मतलब होता है सर रुको रुको सो यू आर बट यू आर देता है ठीक है हाँ जी सर एक बच्चा मुझे कह रहा है, बर्थडे सर। एक लड़का बोल रहा है बर्थडे। मतलब तेरे यहाँ पे आंधी आई है क्या हाँ मेरी माँ ने तो यही कहा था मैंने एक दिन माँ से पूछा माँ मेरा जन्म कब हुआ था तो मुझे माँ बोलती है श्री कृष्ण जब तेरा जन्म हुआ था उस समय आंधी आ रही थी भयंकर वाली तूफान आया बारिश आई पेड़ हिलने लगे और वो आपाली मोटोड़ी खेजड़ी पड़ गई हाँ वो जो बड़ी सी खेजड़ी का पेड़ है वो गिर गया है ना तो बच्चे कहते हैं सर जब जब आंधी आती है मेरा जन्म जन्मदिन आ जाता है बूढ़े आदमी ऐसे याद रखते हैं उन्हें नहीं पता हाँ चलो भाई तो सेंटेंस कहता आई एट इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाया रेस्टोरेंट वो वो नॉट वेरी क्लीन लेकिन वो रेस्टोरेंट साफ नहीं था प्यारे बच्चे मैंने आपको आर्टिकल देखा जब यूज सिखाया उस समय एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि जब आप किसी एक नाउन को किसी एक ही सेंटेंस में सेकंड टाइम यूज करते हैं उसके साथ आप आर्टिकल कौन सा लगाते हैं द लगाते हैं तो सर यहां पर क्या हो जाएगा द रेस्टोरेंट हो जाएगा यही आपके सेंटेंस का सही आंसर है अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर बताइए फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है सर किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करना होता है ये आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन बताइए सर पेन इज माइटर पेन इज माइटर ब्लैंक स्वर्ड है कि पेन जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है ये बात शाश्वत सत्य है दूसरी बात ये आपका प्रोवर्ब भी है और ऐसी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए सर आई गो टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी आई गो टू यूनिवर्सिटी होगा आई गो टू एन यूनिवर्सिटी होगा आई गो टू यूनिवर्सिटी होगा प्यारे बच्चे जब हम किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में किसी स्कूल में जनरल वे में जाते हैं यानी सर उनके प्राइमरी सेंस में उनका यूज हुआ है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में हम इनके साथ में किसका यूज नहीं करते आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं आई गो टू यूनिवर्सिटी आई गो टू स्कूल आई गो टू कॉलेज हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं चलो सर आगे चले बात करें सर एट आर्म्स लेंथ सर एक भुजा की दूरी की बात कर रहे हैं तो एक भुजा की दूरी की बात करने का मतलब क्या हो जाएगा सर थोड़ी सी दूरी एट ए डिस्टेंस होता है क्या होता है एट डिस्टेंस इतनी थी एक आर्म की भुजा की दूरी एक आर्म की एक भुजा की दूरी की बात हो रही है चलो सर अगला क्वेश्चन बोलो अगला आपको कहता है बोलिए सर फटाफट से जवाब दो फटाफट से जवाब दो अब सोचने वाली बात क्या है बच्चे बच्चा सीधा ये सोचेगा कि सर वो इतना टायर्ड है कि वो चल नहीं सकता अरे मेरे भाई मामला गड़बड़ है रे मेरे भाई मामला गड़बड़ है क्यों क्योंकि जब टू होता है तो टू के बाद में ऐसी में की आती है यहां पर ही और आपका लिख रखा तो सर ध्यान देना क्या ऐसी में टू, टी ओ आ जाता है, तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन सर यदि सो प्लस आपका क्या आ जाता है एजेक्टिव तो उसके बाद में सर सर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है सर वर्ब आती है ठीक है हाँ जी सर ये ध्यान देना बात समझ में आई हाँ जी सर तो बताइए यहां पर एडजेक्टिव भी है और यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब भी है ऐसी कंडीशन में किसके यूज होगा सर सो so यूज होगा यहाँ पर टू टू का यूज क्या है सर गलत है समझे ओके सर अगले क्वेश्चन में आकर जवाब दो रामलाल कम्स टू वर्क बाई टैक्सी कि सर रामलाल जो है वो काम करने के लिए टैक्सी से आता है रामलाल काम करने के लिए टैक्सी से आता है तो सर क्या हो जाएगा किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा सर हम किसका यूज करते हैं बाई टैक्सी लगाते हैं हम सर बाई बस लगाते हैं हम सर बाई कार लगाते हैं और यही सर हम क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है हां जी सर बोलो सर बात सही है ओके सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है बोलिए सर डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या है सर स्टोन का मतलब सर तलवारें खींचना इसका मतलब क्या है सर आपस में दुश्मनी हो जाना तलवारें खींचने का मतलब क्या हो जाएगा सर सर एट एनमिटी शत्रुता पे होना यानी आपस में आपस में तलवारें खींचना हो जाएगा बहुत अच्छी बात है चलिए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम शतक पार कर चुके हैं हम शतक लगा चुके हैं तो अभी भी कोई बच्चा जो शतक की खुशी मनाना चाहता है वो क्लास में दिल फेंक सकता है ठीक है क्लास में का मतलब कमेंट में कहीं तुम बैठे हो मान लो किसी क्लास में वहां निकाल निकाल के फेंकने लग जाओ ना पिटाई हो जाएगी कमेंट सेशन में फेंक सकते हो ठीक है हाँ जी सर पूरे जोश के साथ कितने क्वेश्चन कराओगे अरे अपना टाइम दो घंटे का होता है तुम क्वेश्चन पे क्यों जाते हो अब दो घंटे में सो जाए सो जाए हमें सारे करने चाहिए भाई दो घंटे का टाइम है तो हमें काम सारा करना चाहिए अभी हम पैंतीस मिनट पे हैं अपने पास में कितने पंद्रह मिनट और मिनट भी है ठीक है और पंद्रह मिनट में आपका सिर और खाऊंगा हाँ हाँ जी सर मुझे भूख लगी है खाऊंगा

और सर उन तीनों को यह कह दिया गया कि तुम तीनों मैं गेट को बंद कर रहा हूं तुम तीनों अंदर से ही इसके बाहर निकल के बताओ लेकिन गेट को तोड़ना नहीं है गेट को तोड़ना नहीं है बाहर निकल के बताओ तीनों सोच रहे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें सुबह से शाम हो गई शाम से सुबह हो गई सुबह से फिर शाम हो गई फिर सुबह हो गई दो तीन दिन बैठे रहे अंदर फिर भूख लगने लगी पेट में सर एकदम कीड़े दौड़ने लगे चूहे दौड़ने लगे तो एक जना उनमें से खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला यार अब क्या करें दिमाग में कोई युक्ति नहीं आ रही प्लान नहीं आ रहा गेट को कैसे खोलें वो खड़ा हुआ ऐसे घूमते घूमते उस गेट के पास में गया गेट को पकड़ा और खींचा तो खुल गया गेट के बाहर कुंदी नहीं लगाई हुई थी कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं ठीक है तो कभी कभी जो लास्ट के फिफ्टीन मिनट टेन मिनट में जो क्वेश्चन होता है वो आपका वो कहते हैं ना अंतिम चाबी भी ताला खोलती है ठीक है इसलिए थोड़ा सा जोश आपका आगे वाले बीस मिनट में भी रहना चाहिए सर यहां पर हो जाएगा सिविल नोट कम वो नहीं आएगी यदि तुम उसे नहीं बुलाओगे यदि तुम उसे नहीं बुलाओगे तो यदि के सेंस में क्या हो जाएगा आपका और हां हमें नहीं का सेंस भी देना है इसीलिए हमने अनलेस लगाया यदि इफ लगाते तो सेंटेंस अलग होता इफ यू कॉल हर यदि तुम उसे बुलाते हो सिविल नॉट कम वो नहीं आती है यदि तुम बुलाते हो तो नहीं आती है बल्कि यदि तुम नहीं बुलाओगे तो वो नहीं आएगी ये प्रॉपर आंसर दे रहा है इसीलिए सर बी ऑप्शन होगा अगला सेंटेंस बताओ सर आंसर दे दो फटाफट बोलिए सर द स्पीड ऑफ दिस कार वॉज वन ट्वेंटी किलोमीटर आर कि सर इस कार की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है सर 120 किलोमीटर प्रति घंटा प्यारे बच्चे मेरी बात आपसे हुई थी कि प्रति के सेंस में किसका यूज करते हैं ए और एन का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा एन आर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा सर चले जी चलो सर अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है बच्चे बैग एंड बेगेज की बात कीजिए कि बैग एंड बेगेज का मतलब क्या होता है बैगेज का मतलब क्या होता है ठीक है हाँ जी सर और एंड बैगेज का मतलब होता है सर अपना ये पूरा का पूरा ठीक है एक सेंटेंस में आपको बताता हूं एक सेंटेंस में आपको बताता हूं देखिए सर बताइए सर ऑप्शन में क्या होगा ये सेंटेंस सही कौन करेगा ही केम हियर ब्लैंक बैग एंड बेगेज ठीक है विथ बैग एंड बेगेज होगा टूगेदर विथ एंड एंडेज होगा फोर बैग एंड बेगेज होगा या फिर आपको जरूरत ही नहीं है सही जवाब चाहिए मुझे यहां पर आपका अब सारे बच्चों ने सर विथ भरा विरा विथ बरा भरा विथ भरा बेग एंड बेगेज जो है <coughs> इसका मतलब ही क्या होता है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स यानी इसके आ, इसके अंदर विथ का सेंस पहले ही है इसके अंदर पजेसिव पहले ही है इसलिए यहां किसी की जरूरत नहीं है सेंटेंस ऐसे ही बनेगा डी ऑप्शन सही होगा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा डी ऑप्शन सही होगा किसी भी यहां पर आपको हां बहुत अच्छे बहुत अच्छे इसीलिए ऐसी चीजों का ध्यान में रखें परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ सर चार सेंटेंस लिखे हैं इनमें से सही कौन सा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नोट फेल वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल दो चीजों का ध्यान रखना यदि सेंटेंस में लेस्ट आ गया तो सर शुड का यूज उसके साथ में करना है ध्यान रखना लेकिन सर नोट का यूज उसके साथ में नहीं करना है यह भी ध्यान रखना दो चीजें ध्यान रख लो आपका काम हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका काम हो जाएगा तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस बात को याद रखना चलो सर अगला क्वेश्चन मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट प्यारे बच्चे यदि पहले मोर है बाद में मोर है यहां द है तो यहां भी द है यानी सर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखो सर बेड ऑफ रोजेज रोजेज वाले बेड की बात हो रही है गुलाब के फूल जिस बेड पे हैं यानी सर फुल फुल ऑफ होगा होगा आनंद से भरा हुआ अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए सर सी मस्ट बी ओवर फोर्टी वो जरूर कितने साल की है चालीस साल से बड़ी है ब्लैंक सी लुक्स चार्मिंग लेकिन अभी भी कितनी अट्रैक्टिव दिखती है चार्मिंग और सुंदर दिखती है हाँ वो कितने साल की चालीस साल की हो गई बूढ़ी हो गई लेकिन अभी भी जवान दिख रही है भाई किसका जब यूज होगा ओल्डो का होगा ना सर वाइल्ड का होगा ना सर दैट का ना सर स्टिल का हो जाएगा फॉल्टी स्टिल अभी भी स्टिल अभी भी अभी भी ऐसा है ठीक है स्टिल स्टिल हो जाएगा ठीक है चलो सर अगले क्वेश्चन का जवाब दो मे आई हैव योर ब्लैंक फोन नंबर क्या मैं तुम्हारे फोन नंबर ले सकता हूं बताइए बताइए क्या मैं तुम्हारे फोन नंबर ले सकता हूं मै आई हैव योर ब्लैंक फोन 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 नंबर 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 करूं 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 एन बताइए तो सबको पता है कि सर जब अपने पास में क्या आ जाए सर पजेसिव आ जाए तो इसके साथ में यदि कोई आर्टिकल लगाता है तो यह गलत है पजेसिव के साथ आर्टिकल नहीं लगता है इसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपके नंबर नहीं मिलने वाले आपको नंबर नहीं मिलने वाले नो no आर्टिकल हो गया एक बार क्लास को लाइक कर दो सारे बच्चे जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर देना ये याद रखना वो क्लास को लाइक जरूर कर देना याद रखना ट्वीटेड बाई ऑफिशियल एस कोहली मैं छोटे से गांव का लड़का तुम बड़े शहर की क्वीन प्रिय तुम पढ़ती हो नीतू मैडम से मैं एस के सर का फैन प्रिय क्या बात है हा क्या बात है ट्वीटेड बाई ऑफिशियल एस कोहली कोहिल कोहली या कोहिल बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या क्या लिख रहा है हा डबल बार लाइक कर दे गया नहीं रे डबल बार नहीं करना चलो सर अगला क्वेश्चन बताइए सर ये तो बहुत ही बता दिया मैंने आपको लिप्स एंड बाउंस का मतलब वेरी फास्ट होता है अगला क्वेश्चन कहता है कुड नोट टेक अ बात मैं नहा नहीं सकता क्योंकि पानी नहीं है क्यों नहीं नहा सकते क्योंकि पानी नहीं है बिकॉज पानी नहीं है ठीक है हाँ जी सर पांडाज एंड टाइगर्स आर एंडेंजर्ड एनिमल्स पांडाज और टाइगर जो है वो खतरनाक जानवर होते हैं काली भेड़ यदि आप किसी को ब्लैक सिप बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है ब्लैक सिप बोलने का क्या मतलब है सर वो एक नंबर का स्काउंड्रेल है और बच्चे स्काउंड्रेल का मतलब क्या होता है सर दुष्ट होता है स्काउंड्रेल का मतलब दुष्ट वो

ओशियन में क्या है सर आइसलैंड है तो सर आइसलैंड आपका कॉमन है. है, है तो कॉमन नाउन ए और एन लेता है जी सर लेता है अगला बोलिए सर ए वाइट एलिफेंट जवाब दीजिए सर वाइट एलिफेंट क्या होता है सर कोई भी एक ऐसा पजेशन या अधिकार आपका हो जो बर्डन समय जो समस्याजनक है जिसकी वजह से समस्या हो जाए है ना पैसे तो खूब लगा दिए काम में नहीं आ रही सर ओडी ले तो आए लेकिन वो काम की नहीं है ज्यादा खाती है तेल चलो जी सर she went out, वो बाहर गई बैड कॉल्ड कि सर उसे बुखार थी और उस बुखार वाले फैक्ट के बावजूद वो क्या चली गई सर बाहर चली गई बताओ सर क्या हो जाएगा के बावजूद के सेंस में किसका यूज करते हैं सर इन स्पाइट ऑफ का करते हैं तो इंस्पाइट ऑफ हो जाएगा या फिर आप यहां पर डिस्पाइट भी कर सकते हैं मतलब क्या हो जाएगा सर के बावजूद के बावजूद ये कह रहा सी went out. In spite of the fact, वो इस, इसके बावजूद भी बाहर चली गई किसके बावजूद उसको बहुत ज्यादा ठंड थी फिर भी चली गई ठीक है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्रिसमस कम्स वंस सर क्रिसमस जो है वो साल में एक बार आता है तो वंस ईयर हो जाएगा जी सर बात सही है वन से ईयर होगा जी सर वन का मतलब साल में एक बार ट्वाइस ईयर साल में दो बार थ्राइस ईयर साल में तीन बार ऐसा सेंस है चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट बोलिए सर बीट ए रिट्रीट का मतलब क्या है सर बीट ए रिट्रीट का मतलब सर पीछे हट जाना वापस हो जाना और वापस हो जाने का मतलब दुश्मन के सामने घुटने टेक देना वापस हो जाने का मतलब दुश्मन के सामने घुटने टेक देना अगला देख के सर ही रेन वे वो भाग गया ही शुड बी सेंट टू प्रिजन वरना उसे जेल में भेज दिया जाता वो तो अच्छा हुआ वो चला गया वरना उसे जेल में भेज दिया जाता सुड आया है सर जी सर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता सर आपका बी हो, जा, हो जाएगा लेस्ट हो जाएगा ठीक है वो तो अच्छा हुआ कि वो भाग गया अन्यथा उसे क्या कर दिया जाता जेल में भेज दिया जाता हैव यू ऑलरेडी हेड ब्लैंक लंच क्या तुमने पहले ही लंच ले लिया बताइए बच्चे क्या यहां पर पर्टिकुलर लंच की बात हो रही है जनरल सेंस में पूछा जा रहा है कि क्या तुमने लंच कर लिया जनरल सेंस में सर लंच के साथ ब्रेकफास्ट के साथ डिनर के साथ में क्या नहीं आता कोई भी आर्टिकल नहीं आता है जनरल सेंस में इनके साथ आर्टिकल नहीं होता है अगला बताइए

चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए सर बाई एन क्रूक, येन यानी जैसे तैसे मुझे ये काम करना ही है यानी सर बाई फेयर एंड फाउल मीन यानी सही काम हो गलत तरीका हो सही तरीका हो किसी भी तरीके से मुझे काम करना है तो इसी को सर बाई क्रूक बोलते हैं बताइए सर ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ ब्रेड एंड बटर जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं सिंगुलर हो जाएगा सर सात सौ सत्ते भी है प्रेजेंट में होगा पास्ट में नहीं जाएगा ब्रेड एंड बटर क्या होते हैं हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं तो सर इज हो जाएगा बोलो 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 फटाफट एक बच्चा कह रहा है सर नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दाल में काला है हैं हा बहुत अच्छे अब एक बार बता दो सर हमने एक सौ पच्चीस क्वेश्चन करे आपके इन क्वेश्चन में से कितने सही हुए कमेंट करो सारे बच्चे कितने क्वेश्चन सही हुए 125 में से बोलिए सर फटाफट से बोलिए सर 115 107, 60 साठ आ रहे हैं 100 आ रहे हैं एक आ रहे हैं 100 के समथिंग बहुत अच्छे वाह 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 तो आज यहीं पे हम इस सेशन को करेंगे पूरा आगे सर कुछ क्वेश्चन और हैं ये आप खुद करेंगे ठीक है जी याद रखना सर क्या महायज्ञ सेकंड आपका 11 अक्टूबर को होगा हर बच्चा इसमें आएगा ठीक है इसके अलावा सर आप एक बात को और याद रखेंगे कि ऑल इंडिया लाइव टेस्ट में हर बच्चा आएगा 9 10 12 तारीख को शाम को सात बजे नौ दस बारह तारीख को शाम को सवा बजे पहले एक्स ग्रुप बाद में वाई ग्रुप लाइव टेस्ट देना है सभी बच्चों को फ्री में होगा बाकी पेपर से बाहर आते ही भाई ये काम जरूर करना जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर आते हो यहां पर पेपर जरूर भेज देना यह बात आपको याद रखना है ठीक है हां जी सर एक बच्चा कह रहा है सर 122 में डी होगा 122 में डी होगा स्पीक वेरी प्लेनली यार ये बात तेरी सही है यह बात तेरी सही है वेरी प्लेनली होगा कि आउट स्पोकन होगा एक बार इसका बताना एक सौ बाईस में क्या होना चाहिए साफ साफ कहना होता है परीक्षा में भी यही होता है कि आउट पहले आ गया तो और कोई डाउट होता है तो बच्चे ये नंबर आपके सामने है अभी के लिए इतना ही चलूंगा लेकिन हाँ कल पूर्णवती सेकेंड है और कल क्यूशन को फिर से घोलूंगा और कल जोर भी आएगा तो थोड़ा सा तैयार करके आना अपने आप को सारे क्वेश्चंस कल फिर करेंगे अभी के लिए इतना ही चलता हूं बबाई सी यू लव यू ऑल जय हिंद जय भारत बच्चे एक सौ 118 क्वेश्चन गलत है या यहां पर एक सौ गलत है तेरे तो एक सौ अठारह गलत है या यहां एक सौ अठारहवा गलत है वन सही है। मेरा तो सही है मेरे हिसाब से तेरे एक सौ अठारह क्वेश्चन गलत होंगे <laughs> चलो जी सर चलते हैं बाय सी यू बेटा